हेलो गाइस, हाय, स्वागत है आपका एक बम्पर कोर्स में जो कि है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये एक ऐसा ट्रेडिशनल वर्ड है, मतलब मान के चलो ये एक डिजिटल मार्केटिंग का कर्ता धरता है। मतलब जब से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है, इनफैक्ट शायद इसी वर्ड से डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट हुआ है, आज से कई सालों पहले से ये जो वर्ड है ये एग्जिस्ट कर रहा है इस दुनिया में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको सीखने की होड़ भी मार्केट में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, और आने वाले कई सालों तक इसका जो ट्रेंड है ना काफी लॉन्ग रन तक रहेगा। तो आज इस कोर्स में ना आपको 7 मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, और ये 7 मॉड्यूल्स के बाद मैं आपको एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा। एडवांस लेवल पे आपको टेक्निकल एसईओ भी सीखने को मिलेगा, एडवांस लेवल पे आपको लोकल एसईओ सीखने को मिलेगा, एडवांस एसईओ में आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखने को मिलेगा, और फाइनली मैं आपको इसके अपडेट से रूबरू कराऊंगा ताकि आप एडवांस लेवल तक हर चीज सीख जाओ। स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से, क्योंकि बिगिनर्स भी इस पर्टिकुलर कोर्स को देख रहे होंगे और इस वीडियो में बहुत इंटरेस्ट रख रहे होंगे। बिगिनर लेवल ये मत समझना कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी एसईओ आता है तो आप बिगिनर लेवल छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं। बिगिनर लेवल का मतलब ये नहीं है कि उसमें हर चीज आपको आती है। मैं ऐसी ऐसी चीजें कवर करूंगा जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा। मैं अपनी सारी वेबसाइट्स के एसईओ ऐसे ही करता हूं, मेरी टीम जो कि मेरे इंस्ट्रक्शन पे मेरे लिए एसईओ करती है वो भी ऐसे ही करती है, तो बहुत सारे सीक्रेट आपको यहां पर जानने को मिल सकते हैं। तो यानी इस पर्टिकुलर कोर्स के बाद मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको और कोई एसईओ का वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी पूरे यूट्यूब के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे हमेशा टॉप पे रैंक करे, जो कि मेरी वेबसाइट जैसे करती है, मैं आज कह रहा हूं ना कि हर चीज इतनी डिटेल में कि हो सकता है अगर आप पे करके भी ऐसा कोई कोर्स खरीदते हो तो शायद आपको नहीं मिलने वाली थी, ये वो लेवल का कोर्स रहेगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं कि अगर मुझे इस कोर्स को बेचना होता, मतलब मैं अगर इस कोर्स को बना रहा हूं और मैं इसको बेचना होता तो मैं कितने का इसका फीस रखता, आप फीस को सुन लो, आपको डिसाइड कर लेना कि इस कोर्स की वैल्यू कितनी होगी। गाइस, मैं मिनिमम इस कोर्स का प्राइस रखता 25,000 रुपीज ऑनलाइन, और ऑफलाइन में इसको आराम से रखता मैं 35,000 से 40,000 रुपीज, क्योंकि इतना वास्ट डिटेल मैं इस कोर्स के अंदर देने जा रहा हूं। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। मैं इस कोर्स के अंदर बिल्कुल वेबसाइट के पेजेस बनाने से लेके उसका प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइजेशन तक जो जो स्टेप्स होते हैं मैं ए टू जेड दिखाऊंगा। इनफैक्ट मैं चलो सब डोमेन को कैसे लॉन्च करते हैं, वहां से वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद वगैरह वगैरह सारी चीजें मैं ए टू जेड दिखाने जा रहा हूं। तो अगर आप थोड़ा सा भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना चाहते हो या फिर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का करियर आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि खाली जॉब ही करोगे, आप अपनी वेबसाइट का भी तो एसईओ करके अर्निंग कर सकते हो गूगल एडसेंस से, एफिलिएट मार्केटिंग से, बहुत सारे तरीके से। तो आप बैक टू बैक इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर कोर्सेज आने वाले हैं बहुत सारे, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एडसेंस से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बाकी आपकी मर्जी है, लाइक तो कर दो एटलीस्ट, सब्सक्राइब नहीं करना तो आप दोनों में से दोनों कर दो, मर्जी आपकी है, कोई एक भी मत करो, लेकिन मैं अपना कॉन्टेंट पूरी शिद्दत से और पूरे नियत के साथ डिलीवर करने जा रहा हूं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इंडेक्स से कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या क्या सीखने जा रहे हैं जो कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आना ही आना चाहिए। सबसे फर्स्ट मॉड्यूल में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और इसको किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी क्यों माना गया है। हो सकता है कि आपको पता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो गूगल पर रैंक कराने का एक तरीका है वगैरह वगैरह, लेकिन ये काफी नहीं है अगर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डिटेल में सीखना है। तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल में आपसे पूरी तरीके से इसी पर जिक्र करूंगा या इस पे ही डिटेल तरीके से आपको मैं लेक्चर दूंगा, जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, और ये बिजनेस के लिए बेहद जरूरी क्यों है, और अगर बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है तो इसका स्कोप किस लेवल तक का है, और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हो पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, ये सारा हम हमारे मॉड्यूल 1 में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप मॉड्यूल 1 को कवर कर लेते हो आपको समझ आ जाता है ये चीजें कि क्यों करना है और ये क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए। मैं सेकंड मॉड्यूल पे आ जाऊंगा और सेकंड मॉड्यूल जो होगा बिल्कुल फर्स्ट बेस प्रैक्टिकल होगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, व्हिच इज नोन एज कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरी तरीके से बेस्ड किस चीज पे है गाइस, वो होता है कीवर्ड के सर्चेस से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि गूगल या कोई भी और, बिंग, याहू, ये जो सर्च इंजन है ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये तभी तो फंक्शन करते हैं जब कोई इन सर्च इंजन पर जाता है और जाने के बाद अपनी क्वेरी को टाइप करता है, तो उस क्वेरी को कीवर्ड बोला जाता है। और अगर आप
आप उस क्वेरी के डेटा को जान गए, उसको एनालिसिस आपने कर लिया उसका कि कौन से कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है, कितना कंपटीशन है वगैरह वगैरह, तो आपको पता है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीजों को अपने फेवर में ला सकते हो। तो कीवर्ड रिसर्च हमारा रहेगा सेकेंड मॉड्यूल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए सर्च इंजन से, और ये मैं बिल्कुल डिटेल में आपसे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमें ये सीखना होता है कि कैसे राइट ऑडियंस को टारगेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड, और इतना ही नहीं फिर उस कीवर्ड का कैसे आप ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अपने कंटेंट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने पेज के अंदर, वो भी इसका ही पार्ट रहेगा। कौन से टूल्स होते हैं जो कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने में हमें हेल्प करते हैं, कीवर्ड को ढूंढने में हमें हेल्प करते हैं, कीवर्ड का एनालिसिस करने में हमें हेल्प करते हैं, तो वो टूल्स भी मैं यहां पर कवर करूंगा। पेड और प्रीमियम दोनों इसमें अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप जिस करियर पे हो, जहां पर आपके पास पेड अवेलेबल है, जहां पर पेड अवेलेबल नहीं है, दोनों केस में आप कीवर्ड रिसर्च को कर सकते हो इसकी मदद से। जैसे ही हमारा मॉड्यूल 2 कीवर्ड रिसर्च खत्म हो जाएगा, हम आ जाएंगे अपने मॉड्यूल 3 में, व्हिच इज नोन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऑन पेज मतलब पेज में कुछ करेंगे जिससे हमारा जो वो पेज है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और एग्जैक्टली यही चीज यहां पर होने वाली है। हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सीखने वाले हैं कैसे आप अपने वेबसाइट का कंटेंट और स्ट्रक्चर को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हो, ताकि सर्च इंजन जो है वो आपको पसंद करे, आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को पसंद करे और उसको इंडेक्स करना शुरू कर दे। दैट इज द नंबर 1 थिंग। फिर हम आएंगे मेटा टैग्स पे, टैग्स एलिमेंट्स पे, और ऐसे बहुत सारे अदर एलिमेंट्स रहेंगे जो कि ऑन पेज के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक हाइपरलिंक, लाइक एंकर टेक्स्ट। ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम डिटेल में करने वाले हैं, वो यहां पर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे आने वाला है। तो ये वाला मॉड्यूल जो रहेगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो आपके पेज के अंदर ही आने वाला है, और ऑन पेज का जो कंटेंट है वो ही डिसाइड करेगा कि आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन के लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो इसीलिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसको मिस नहीं कर सकते, और ध्यान लगा के इसको सीखना है तो इस मॉड्यूल पे आपको अपना फोकस बढ़ा देना पड़ेगा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम आएंगे अपने 4th मॉड्यूल पे, जो कि होगा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि हम किसी पेज में काम नहीं करेंगे, हम ऐसे ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम अपने पेज पे काम ना करके, अपने वेबसाइट पे काम ना करके ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा वेबसाइट ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाए, उसे कहते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। जिसके अंदर बैकलिंक्स कैसे बनाने होते हैं जिससे हमारा अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाए, ये हम सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बैकलिंक्स का जो प्रोफाइल है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपको पता है कि आप किसी भी बड़े से बड़ी वेबसाइट को किसी भी हार्ड से हार्ड कीवर्ड के लिए टक्कर दे सकते हो, बिल्कुल उसको आउटरैंक करके अपना जो पोजीशन है सर्च इंजन पे वो टॉप पे बना सकते हो। तो बैकलिंक का प्रोफाइल कैसे बनाया जाता है, कैसे अथॉरिटी को बिल्ड किया जाता है अपने डोमेन को, अपने पर्टिकुलर पेज को, तो ये यहां पर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको सीखने को मिलेगा। और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज को हम यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जो हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, और पूरे YouTube में आपको कहीं पर भी ऐसी स्ट्रेटजीज बैकलिंक को बनाने को लेके बिल्कुल नहीं मिला है। तो इसीलिए आपको ये वाला मॉड्यूल भी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका 20% या 25% का वेटेज रखता है आपके पर्टिकुलर SEO के लिए। तो मेक श्योर आपको इसको भी बड़े ध्यान से करना है। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने 5th मॉड्यूल पे, व्हिच इज नोन एज मेजरिंग एंड ट्रैकिंग SEO सक्सेस। कि अब आप जो SEO कर रहे हो उसको ट्रैक भी तो करोगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो ये सारा मेजरमेंट और एनालिटिक्स जो है ये टूल्स की मदद से होता है। तो वो कौन से टूल्स होते हैं जो हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को हमें बताएंगे कि कितना ट्रैफिक आ रहा है और किस किस कीवर्ड से आ रहा है, कितने देर के लिए रुक रहा है, वो कौन से टूल होते हैं, वो कौन से सेटिंग्स होती है जो हमें करनी होती है, वो आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जानने को मिलेगा। ये भी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ गधा मजदूरी थोड़ी ना करना है कि करते जाओ, हमें मेजर भी करना है, हमें रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए होगा हमारी वेबसाइट का, हमारे ट्रैफिक का, हमारे कन्वर्जन का, कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो कि आपको काफी टाइम लग जाएगा करते, और लास्ट में आपको पता लगेगा कि आप जो भी कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही गलत था क्योंकि उससे ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मेजरमेंट एंड ट्रैकिंग ये बहुत जरूरी होता है आपके SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो हम यहां पर कुछ टूल्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके डेप्थ लेवल तक जाएंगे, तो आपको बने रहना है इस सेशन के अंदर, बिल्कुल भी विदाउट मिस करें। 6th मॉड्यूल पे आके हम ये सीखेंगे कि वो कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। बहुत जरूरी होता है, बहुत लोग आप में से जो न्यूबी हैं वो कर बैठते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे मिस्टेक्स स्टार्टिंग में बिल्कुल किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ डेस्परेशन से रिलेटेड कह लो, या फिर मैं काफी ज्यादा क्विक चीजों को करने की कोशिश में मैंने बहुत सारी चीजें गलत कर दी थी। उससे कैसे बचना है वो आपको इस मॉड्यूल में सिखाया जाएगा, विच इज 6th मॉड्यूल। तो ये वाला मॉड्यूल भी जानकर रखो, क्योंकि ये तो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि गलत स्टेप्स लेके आप अपने हाथ पैर ना जला लो SEO के इस फील्ड में, वो जानना बहुत जरूरी है। और आफ्टर 6th मॉड्यूल फाइनली हमारा लास्ट जो मॉड्यूल रहेगा वो रहेगा 7th मॉड्यूल, जिसके अंदर हम
पूरे इस कोर्स का टेक अवे लेंगे। टेक अवे मतलब समरी, कि इतना बड़ा मॉड्यूल हो गया, इतने सारे मॉड्यूल एक बार में याद करना मुश्किल नहीं है। तो जितना भी आपने डिटेल में सीखा था वो अच्छी बात है, लेकिन लास्ट में जाके मैं एक समरी कर दूंगा, ताकि उस समरी को आप जब सुनोगे तो आपकी सारे रिविजन जो है वो एकदम से आपके माइंड में आ जाएंगे और आपको पूरी कहानी, जिसे कहते हैं गीता का सार, गीता बहुत बड़ा है ना, गीता का सार हम पढ़ के समझ जाते हैं कि पूरे गीता में क्या था, वही समरी वही सार हम लास्ट मॉड्यूल में सीखेंगे। और एक लास्ट में मैं अपना फाइनल टेक अवे दूंगा आप लोगों को, कुछ ऐसे प्रोमिनियंट अपने लाइफ एक्सपीरियंस दूंगा जो कि बहुत जरूरी होगा आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो वो एक्सपीरियंस, वो मेरे प्रो टिप्स यहां पर मॉड्यूल 7 में आ जाएंगे, जो कि अगेन जरूरी होगा हमारे बाकी मॉड्यूल्स के तरह आपके लिए। आई होप गाइस आपको इंडेक्स समझ आ गया, अब आपको इंटरेस्ट जरूर आ रहा होगा कि हाँ इस कोर्स को आपको पूरा करना चाहिए। तो मैं आपके साथ हूं दिल खोल के, पूरी इंटेंशन के साथ, और मैं अपना एक एक नॉलेज देने के लिए रेडी हूं। यहां पर मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैंने कहा ना, इस कोर्स को अगर मुझे बेचना होता तो मैं 25,000 रुपीज मिनिमम इसका कॉस्ट रखता, इतना डिटेल में कोर्स होगा, तो आपके लिए लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बाकी मर्जी आपकी है कि आप अपना कितना डेडिकेशन दोगे, कितना स्किप कर करके देखोगे, या कितनी मेहनत से इसको करके अपना करियर बनाने की कोशिश करोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फील्ड में। तो चलो, मेरा इंडेक्स यहां पर खत्म होता है, अब मैं सीधा चलता हूं मेरे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, विच इज आर मॉड्यूल 1, और वहां से स्टार्ट करते हैं हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये धांसूसा कोर्स। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दो, क्योंकि इसके बाद आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के शायद प्रो बन सकते हो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं ब्लूप्रिंट से। एसईओ का ये ब्लूप्रिंट है, और ब्लूप्रिंट के अंदर सबसे मेन बात जो है ना वो ये है कि आपको एक ही बार में पता लग जाएगा कि हमें जो एसईओ का एक थ्रू आउट द वे रखना है, मतलब जो पाथ रखना है वो कैसे रखना है। ये आपको सच में आपके माइंड को स्टेबल करने में हेल्प करेगा, माइंड को एक डायरेक्शन देने में हेल्प करेगा कि जब हम एसईओ करने बैठे तो कौन सी सबसे पहली चीज आनी चाहिए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरीके से हमारा एसईओ जो है वो अचीव होता हुआ चले। इसके लिए हमें ब्लूप्रिंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये है वो ब्लूप्रिंट जो कि मैं आज सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और फिर इस ब्लूप्रिंट के हर एक छोटे से छोटे पाथ में हम डिटेल में प्रैक्टिकल जहां पर प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी जहां पर थ्योरी होगी उसको अचीव करते हुए चलेंगे, ताकि आपका ये वाला सेशन जो है ना ये एक फ्रूटफुल सेशन हो जाए आपके लिए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो एसईओ के अंदर सबसे जो चार मेजर स्टेप्स होते हैं जो मैं कहूंगा वन बाय वन आपको अचीव करना होता है, दैट इज नंबर वन। सबसे पहले जब भी आप किसी भी पेज का एसईओ करोगे या फिर किसी भी कंटेंट का आप एसईओ करोगे, मान लेते हैं कोई भी एक मेरे पास पेज है जिसका मुझे एसईओ करना है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पर ले लेता हूं ये वाला पेज। तो ये क्या है, बेस्ट वीवो मोबाइल अंडर 15,000 टू ग्रैब इन 2022, फॉर एग्जांपल मुझे इसका एसईओ करना है, या मान लेते हैं इसको मुझे रैंक कराना है गूगल पे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए गाइस, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कीवर्ड रिसर्च। क्यों? क्योंकि कीवर्ड कौन सा हो जिस पे आपका वो वाला कंटेंट रैंक करे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट का ना डायरेक्शन दे पाओगे, उस कंटेंट को स्ट्रक्चराइज कर पाओगे। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च सबसे पहला स्टेप होगा। कीवर्ड रिसर्च के अंदर हमें क्या क्या करना होता है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। उसमें आपको सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे इस केस में टारगेट ऑडियंस कौन होगा, मोबाइल बायर्स जो कि मोबाइल खरीदना चाहते हैं, खासकर वीवो मोबाइल, और भी खासकर जो कि 15,000 रुपए के अंदर अगर कोई मोबाइल है उसको खरीदना चाहते हैं। तो इस तरीके से ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले। फिर उसके बाद हमें कीवर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढने होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर वीवो मोबाइल के लिए 15,000 के नीचे का मोबाइल हो, ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो कि आपके ऑडियंस, जो कि यहां पर हमने ढूंढ लिया था कि इस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है, वो सबसे ज्यादा ढूंढते हैं। तो यहां पर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, वो क्या क्या करना पड़ेगा हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। देन हमें रिसर्च टूल का इस्तेमाल करना है उन कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए जो कि हमारी ऑडियंस काफी ज्यादा उसको सर्च करेगी, ताकि हमारा जो मेन अपॉर्चुनिटी है उस ऑडियंस तक पहुंचने का वो बढ़ जाए। देन अगर हमें कीवर्ड मिल जाते हैं तो हम कॉम्पिटिशन को एनालाइज करेंगे, क्या हम उस कीवर्ड पर रैंक कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंपटीशन बहुत हाई है, मान लेते हैं अगर ऐसा कोई कीवर्ड है जिस पे काफी ज्यादा जो हाई अथॉरिटी वाली साइट है वो ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो वो कंपटीशन हाई हो जाएगा और वहां पर रैंक करना नामुमकिन हो जाएगा। तो नो मैटर आपके पास कीवर्ड मिल भी गए होंगे, लेकिन अगर आप उस पे काम करना शुरू कर दोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सिंपल आपको रीजन बता दिया, जस्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे ही मुझे ये मिल जाए कि ऐसे भी कीवर्ड्स हैं जिन पे कॉम्पिटिशन हाई नहीं है और मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है वो उनको ढूंढ भी रही है, तो जल्दी से उस कीवर्ड को प्रायोरिटाइज करना कि उसमें से मेन जो कीवर्ड है उनको कौन सा रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्लासिफिकेशन करना हमारे कीवर्ड्स को, वो रहेगा कि हम अपने कौन से कीवर्ड को ज्यादा प्रायोरिटाइज करें। और फाइनली रह जाएगा कि हम अपने कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल वेरिएशन में कैसे ला पाए, ताकि हम यूनिक कीवर्ड्स को आराम से टारगेट कर पाए, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं ये काफी देखे गए हैं, इजी टू रैंक होते हैं, बिकॉज इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम लेवल का होता है, रीजन बीइंग क्योंकि ये लॉन्ग टेल है ना, तो हर कोई इसको टारगेट नहीं करता है, तो उस केस में हमें इसका फायदा हो जाता है। तो ये रहेगा आपका स्टेप 1 जो कि
कि SEO में सबसे पहला स्टेप काउंट होगा और हम इनको पूरे डिटेल में करने की पूरी कोशिश करेंगे। देन जैसे कीवर्ड रिसर्च में मेरा फाइनल कीवर्ड्स निकल के आ जाते हैं उस पर्टिकुलर पेज के लिए जिस पर्टिकुलर पेज को मुझे रैंक कराना है। अब जो बारी आती है वो आती है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे दो मेजर चीजों का ध्यान रखना होता है, एक होता है आपका वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है आपका कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपका जो ये कंटेंट है, मान लेते हैं ये जो कंटेंट है इसको कैसे आपको लिखना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है। यहाँ पर मेटा टैगिंग का काफी ध्यान रखना होता है आपको, हेडर टेक्स्ट का ध्यान रखना होता है आपको, इमेज के ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को अच्छे तरीके से मेंशन करना होता है, पोस्ट के टैग्स पे ध्यान रखना होता है, पर्मल लिंक को बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना होता है। देन ऐसे ही कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे जो कंटेंट लिखते हो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपको उसको इस पे ध्यान देना है। देन कीवर्ड की डेंसिटी क्या होनी चाहिए आपको उस पे ध्यान देना है, कीवर्ड कहां कहां होने चाहिए, प्लेसमेंट का ध्यान रखना होता है, कीवर्ड को प्रॉक्सी लगा लगा के यूज करना है उसका ध्यान रखना पड़ता है, और फाइनली हमें LSI कीवर्ड को भी इस्तेमाल करके अपने कंटेंट का जो वेटेज है वो क्रिएट करना होता है, दैट इज थ्रू LSI कीवर्ड। तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन पे हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करने वाले हैं। फाइनली ये भी हो जाता है तो अब मेरा पेज जो है वो पब्लिश हो जाता है क्योंकि दुनिया अब इसको देख पाती है। अब इस पेज की अथॉरिटी को स्ट्रांग बिल्ड करने के लिए हमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, जिसके अंदर सबसे जो कारगर साबित होता है वो होता है बैकलिंक, और बैकलिंक की स्ट्रेटजीज हम यहां पर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना बैकलिंक प्रोफाइल को स्ट्रांग करेंगे थ्रू गेस्ट ब्लॉगिंग, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, डायरेक्टरी सबमिशन, जो कि अभी ओल्ड फैशन हो गया डायरेक्टरी सबमिशन, बट हाँ फिर भी थोड़ा थोड़ा काम जरूर करेगा, इन्फोग्राफिक्स, टेस्टिमोनियल्स, रिसोर्स पेजेस और कोलैबोरेशन, ये करके हम अपना बैकलिंक स्ट्रेटजीज को स्ट्रांग करेंगे, प्रोफाइल को बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे हमारा ऑफ पेज भी हो जाएगा तो फाइनल एक काम और रह जाएगा ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल इन दोनों का इस्तेमाल करना सीखेंगे, जिसके अंदर हमें ये पता लग जाएगा कि हम कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं और कौन सा कीवर्ड हमें कितना कन्वर्जन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ साइनअप्स, इन टर्म्स ऑफ पेज व्यूज, इन टर्म्स ऑफ एवरेज सेशन ड्यूरेशन, कुछ भी ले लो आपका जो भी टारगेट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीजें ट्रैकिंग कहां पर होगी, इन दोनों पर्टिकुलर टूल के अंदर हम ये चीज करने वाले हैं। सो गाइस ये था ब्लूप्रिंट जिसपे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, आई होप नाउ इट इज ऑल क्लियर। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट से और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को मैं कंटिन्यूअसली डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट कोर्सेज देने जा रहा हूं इस चैनल पे बैक टू बैक। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ब्लूप्रिंट जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, क्योंकि क्या होता है कभी भी कोई भी नया प्रोडक्ट बनाने से पहले बड़े बड़े इंजीनियर्स, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों ना हो, बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, पूरा सीक्वेंस में जो वो स्टेप्स लिखे होते हैं दैट इज नोन एज ब्लूप्रिंट। और मैंने आपका काम आसान करने के लिए, ताकि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने में कोई भी परेशानी नहीं आए और आपको हर एक स्टेप का पता हो कि कौन सा स्टेप कब रखा जाना चाहिए, तो मैंने उसके लिए ब्लूप्रिंट बनाया था और जो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और मैं ये मानता हूं कि आपने ब्लूप्रिंट को अच्छी तरीके से समझ भी लिया। अगर नहीं समझा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस के वहां पर रिप्लाई करने की, ताकि आपको मैं सेटिस्फाई कर पाऊं, आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसका आंसर दे पाऊं। बट अगर आप समझ गए हो तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई एक पढ़ाई नहीं है कि आप इसको पढ़ के रट के रख दोगे अपने अंदर, बिल्कुल भी नहीं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इसको प्रैक्टिकल ही करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है SEO होता है। अब वेबसाइट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं एक छोटा सा तरीका बता देता हूं कि जिससे आप भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, उसके लिए ना कोडिंग की जरूरत है और ना ही आपको और किसी चीज की जरूरत है, वो है वर्डप्रेस। तो मैं वर्डप्रेस का पूरा कोर्स अगर बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, जिसके अंदर पूरी वेबसाइट कैसे बनती है वो मैं आपको दिखा सकता हूं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आप जाके इस आई बटन पे चेक कर लेना, वहां पर वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा ग्लिम्स यहीं दिखा देता हूं ताकि आपको वीडियो को स्विच ना करना पड़े, कि कैसे डोमेन और होस्टिंग को बाय करके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो। और वर्डप्रेस एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो आपको कौन से प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी SEO के लिए, आपको कौन सा थीम लेना चाहिए, थीम के ऊपर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि SEO का जो कोर वेब वाइटल हो वो सारा मैच हो जाए, तो उसको मैं बताने के लिए जल्दी से एक छोटा सा स्टेप यहां पर कर लेता हूं, विच इज नोन एज कि हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट क्विकली। चलते हैं फिर से मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इस चीज को एक बार थॉरली कर लेते हैं।
सो गाइज फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हम होस्टिंग यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आपको पता होगा ये स्टेप कैसे होगा। बट फॉर द रीजन अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो वो कैसे लेना होता है, कैसे बाय करना होता है, वो प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूं और फिर आप इसे कर लेना ताकि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अच्छी तरीके से कर पाओ। देखो मैं जो होस्टिंग रिकमेंड करता हूं दैट विल बी होस्टिंगर, क्योंकि मैं पर्सनली भी अपनी वेबसाइट होस्टिंगर पे ही चलाता हूं। जैसे कि अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि मेरा सबसे ट्रस्टवर्दी जो होस्टिंग है वो यही है। अब यहां पर आपको सिंपल क्या करना है, मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप सबसे बेस्ट इसके प्राइस प्लान पे पहुंच जाओगे जो कि सबसे अफोर्डेबल है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक डिस्काउंट कूपन भी दे दूंगा जिसके बाद वो प्लान और सस्ता हो जाएगा। एक तो सस्ता वाला लिंक दूंगा, ऊपर से और 10% ज्यादा सस्ता हो जाएगा, तो आपके लिए फायदा हो जाएगा। अभी फिलहाल देख लो कि आपको करना क्या है, आपको होस्टिंगर के उस लिंक पे क्लिक करके यहां तक पहुंचना है। यहां पर आपको आके ये वाले प्लान पे ऐड टू कार्ट को क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट को क्लिक करते हो तो आप यहां पर देख लो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। सबसे पहले आप 100 वेबसाइट तक इसमें आप होस्ट कर सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज जो कि आपकी साइट को हमेशा फास्ट बनाएगा। देन बाकी आप चीजें अपने आप पढ़ लेना, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं करने वाला। अब अगर हो सके तो 48 मंथ्स जो कि होता है 4 साल का एक बार में ले लेना। ये फायदा आपको यहां पहुंचाएगा कि एक तो प्राइस सबसे बेस्ट मिल जाएगा, मतलब इतना मिल जाएगा अगर आप एक साल का जो लेते हो ना उसका जो प्राइस पड़ता है उसके ही डबल में आपको 4 साल मिल जाते हैं, मतलब 3 साल फ्री में मिल जाते हैं आप ये मान के चलो। तो इस तरीके से आपको ये फायदा होने वाला है। तो मैं 48 मंथ्स के साथ चलता हूं और मेरे मैक्सिमम मैं स्टूडेंट्स को 48 मंथ्स ही रिकमेंड करता हूं। उसके बाद सिंपल अपना अकाउंट बना लेना, या तो गूगल से लॉग इन कर लेना अगर गूगल आईडी है, या फेसबुक आईडी है, या फिर ईमेल एड्रेस से लॉग इन करना है तो ईमेल एड्रेस से कर लेना। जैसे आप करोगे तो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा, तो सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप में खाली पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना। जैसे आप देख रहे हो यहां पर आपका टोटल अमाउंट आया है 7872, कैन यू सी दैट, तो ये है तकरीबन 8000 रुपए आप मान के चलो। और आप यहां पर डिसाइड कर लेना कि पेमेंट का मेथड क्या रहेगा सिंपल। अब यहां पर जो मेन आपको एक और चीज करनी है वो हैव अ कूपन कोड। यस मैं आपको कूपन कोड दे रहा हूं, वो यूज कर लो। अमाउंट देख लो कितना है, ऑलमोस्ट आपका है 7872 जो कि मान लेते हैं 7900 है, मतलब 8000 से 100 रुपए कम। अब मैं एक कूपन दे रहा हूं जो कि आपको यूज करना है विच इज रॉय डिजिटल, अप्लाई कर दो। अब आप देखो कि आपका 8000 वाला जो ये प्राइस था सीधा 7000 में आ गया है, 10% का फ्लैट डिस्काउंट जैसे कूपन कोड लगा। अब सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करो, पेमेंट आईडी दो, सब कुछ दो और आपका पेमेंट हो जाएगा। जैसे आप पेमेंट कर दोगे ना, अब आपको इसके बाद ईमेल्स आएंगी, उन ईमेल को फॉलो करना और अपने होस्टिंगर पे आके इंडिया के सर्वर को आप लॉगिन जरूर करना कि इंडिया के सर्वर को यूज करना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम ट्रैफिक जो होगा वो हम इंडिया से ट्रैफिक लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपके सामने अभी लॉगिन कर लेता हूं और पूरा प्रोसेस जो है दिखा देता हूं। लेट्स लॉगिन, होस्टिंगर इंडिया को मैंने सिलेक्ट कर लिया और आ गया मेरा बिजनेस वेब होस्टिंग। कैन यू सी दैट, मेरे 9 वेबसाइट्स अभी यहां पर चल रहे हैं और ये 2024 में एक्सपायर होगा, और इसको मैंने कब लिया था पता है, 2020 में, 4 साल का एक बार में मैंने इसको ले लिया था। सिंपल, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे मैनेज पे क्लिक करना है। और यहां पर एक चीज बता दूं आपको, एक डोमेन नेम जो है वो फ्री में मिलने वाला है, तो डोमेन नेम को क्लेम जरूर कर लेना, आपको डोमेन नेम अलग से खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। वर्डप्रेस पे आप देखोगे कि आपको यहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा विच इज इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको यहां पर उस वेबसाइट की डिटेल देनी है जो कि आप बनाने वाले हो। जैसे वेबसाइट क्रेडेंशियल में आपको वेबसाइट का नाम क्या रखना है, जैसे मान लेते हैं मैं रख लेता हूं लाउड रिव्यू जो कि मेरा एग्जिस्टिंग वेबसाइट है, बट मैं उसका नाम यही देना चाहता हूं। ईमेल वही देना याद से जिसके अंदर आप ईमेल रिसीव करते हो, क्योंकि इसमें ईमेल आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल्स होते हैं, तो अगर गलत स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गया ना आपका थोड़ा सा भी, तो आपके वो ईमेल बाउंस हो जाएंगे, आपके पास कभी पहुंचेंगे नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आप यूजर नेम जो भी रखना चाहते हो और पासवर्ड याद से जो आपको याद रहे वही रखना है, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे आप क्लिक ऑन नेक्स्ट करोगे ना, आपका वर्डप्रेस जो है आपके उस डोमेन नेम के लिए इंस्टॉल हो जाएगा जो कि आपने अभी क्लेम किया है होस्टिंगर से, और इसके बाद आप सीधा वर्डप्रेस को इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। अब जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको उस वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाने के लिए एक URL टाइप करना पड़ेगा विच इज मेरे केस में है लाउड रिव्यू जो कि मेरा डोमेन नेम है /wp-admin। ये होता है यूनिक URL फॉर एडमिन पीपल, और यू कैन से दैट एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि आपकी साइट का जो फ्रंट एंड है वो तो पब्लिक के लिए है, लेकिन आप काम करोगे तो आपके पास एक स्पेशल URL ये वाला होता है जिसके थ्रू आप अपने एडमिन डैशबोर्ड में एंटर कर सकते हो। बस एंटर करना है और यहां पर आपको उस यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी जो कि जस्ट अभी हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त बनाया था, बस एग्जैक्टली उसको यहां पर डालना है। अगर आपको याद है तो मैंने यूजर नेम रॉय रखा था और पासवर्ड मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वही पासवर्ड है जो कि मैंने वहां पर रखा था। उसके बाद क्लिक ऑन लॉग इन। जैसे मैं लॉग इन करूंगा, नाउ यू कैन सी दैट कि मेरा जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का वो यहां पर लॉग इन हो जाएगा। तो गाइज मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड लॉग इन हो गया है जैसे कि आप देख रहे हो, और ये है मेरा ओवरऑल डैशबोर्ड, ये मेरी साइट का डैशबोर्ड है। आपका भी बिल्कुल एज इट इज यही
होने वाला है। सो गाइस ये है पूरा एक क्विक तरीका जिससे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने होस्टिंगर अकाउंट पे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मेरे एफिलिएट लिंक का, वो मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक है, थोड़ा कमीशन मैं भी अर्न कर लूंगा, मेरा भी भला हो जाएगा। इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं ना, इसको बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, डेडिकेशन चाहिए होता है और पैसा भी लगता है क्योंकि हम टीम बन के इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। तो आपको मैं फायदा तो करा ही चुका हूं ऑलरेडी कि आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, प्लस मैं आपको फ्री में एक प्रीमियम थीम भी प्रोवाइड कर दूंगा जो कि MH मैगजीन होने वाला है, जो इटसेल्फ $49 का थीम है, वो मेरी तरफ से आपको फ्री में मिल जाएगा। बस उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको roy@roydigital.in पे अपना वो रिसीट भेजना है कि आपने होस्टिंगर ले लिया है। हम यहां से वेरीफाई कर लेंगे कि आपने हमारे लिंक से लिया है या नहीं लिया है। जैसे लिया होगा तो आपको हम उसी ईमेल पे रिप्लाई करके आपका MH मैगजीन थीम प्रोवाइड कर देंगे जो कि आप इस वेबसाइट में या किसी भी और वेबसाइट में अगर आप चाहो तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं डायरेक्ट उस प्रोसेस में जिसमें मुझे अपने फर्स्ट पोस्ट का कीवर्ड रिसर्च करना है कि मैं अपनी वेबसाइट के उस पोस्ट के लिए कौन सा कीवर्ड रखूं जो कि मैं फर्स्ट लिखने वाला हूं। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं वो प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल अप्रोच वाला कीवर्ड रिसर्च, जिसके बाद ना आप SEO में वो फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर चुके होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सच में एक अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बनना है। तो चलो कीवर्ड रिसर्च को समझाने से पहले मैं आपको दो बेहतरीन चीजें समझाना चाहूंगा। ये एक अप्रोच है कि आप कीवर्ड रिसर्च को किस तरीके से कंडक्ट करना चाहेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंटेंट देन कीवर्ड रिसर्च, सेकंड फर्स्ट कीवर्ड रिसर्च देन कंटेंट। आपको अगर समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या चीज है। देखो क्या होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि आर्टिकल्स लिखते हैं, जो कि थ्योरी लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं या फिर अपनी कोई स्टोरी लिखते हैं। अब वो लिखना उनके लिए प्रायोरिटी है, उनके लिए कीवर्ड रिसर्च प्रायोरिटी नहीं है। उनको ये नहीं देखना है कि इसको पर्टिकुलर मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं जिस अकॉर्डिंग कीवर्ड है, नहीं। वो एक नेचुरल राइटर है और राइटिंग का एसेंस वो खोना नहीं चाहते, वो पहले लिखेंगे और उसके बाद वो या उनकी जो टीम है जो कि उनके लिए एसईओ करेगी वो फिर उस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए कीवर्ड रिसर्च करेगी। तो ये है एक ऐसा अप्रोच जिसके अंदर राइटर जो है वो डिजिटल मार्केटर नहीं होता, या फिर जो राइटर है ना वो अपने कंटेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, दैट इज द फर्स्ट अप्रोच कीवर्ड रिसर्च का। सेकंड होता है जिसके अंदर ना कीवर्ड रिसर्च पहले किया जाता है कि भैया मैं कंटेंट को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूं, मैं अपने ट्रैफिक को प्रायोरिटी दे रहा हूं, तो मुझे पहले यह देखना है कि कौन से कीवर्ड पे कंटेंट लिखा जाए ताकि मेरे पास ट्रैफिक आ जाए और ट्रैफिक के बाद मैं उसको कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, चाहे वो मेरा साइन अप हो, लीड्स हो, कन्वर्जन हो, कोई भी एक प्रोडक्ट का सेल हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ट्रैफिक चाहिए। तो ट्रैफिक चाहिए तो मैं कंटेंट कुछ भी लिख दूंगा, लेकिन ट्रैफिक किस कीवर्ड पे आएगा उसको पहले मुझे ध्यान देना है। मेरा कीवर्ड फर्स्ट है, प्रायोरिटी है और सेकेंडरी मेरा कंटेंट है। तो उस केस में आपको कीवर्ड रिसर्च पहले करना होता है, फिर उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट लिखना होता है, एंड दैट इज द सेकंड अप्रोच। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप अपना प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन हम डिजिटल मार्केटर्स क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो जैसे मैं एक ब्लॉगर हूं या मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूं या फिर मेरा कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर मुझे काफी ट्रैफिक चाहिए, तो गाइस मैं एक नेचुरल राइटर नहीं हूं। मैं राइटिंग एज अ पैशन नहीं कर रहा हूं कि मुझे इसलिए लिखना होता है कि मेरे कंटेंट को, मेरे थीसिस को, मेरे पीस ऑफ आर्टिकल्स को लोग पढ़े, नहीं, मैं ट्रैफिक के लिए लिखता हूं। तो मेरा अप्रोच हमेशा ये सेकंड वाला होता है कि पहले मैं कीवर्ड रिसर्च कर लेता हूं जिसके बाद मैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखता हूं। तो दैट इज द सेकंड अप्रोच वी डिजिटल मार्केटर्स एक्चुअली वर्क अपॉन। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया। अब इन दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है, किस प्रोसेस को यूज करना है, तो आप डिसाइड करो। बट आई नो दैट कि आप भी कीवर्ड रिसर्च पहले करना पसंद करोगे, उसके बाद आप कंटेंट लिखना पसंद करोगे, क्योंकि आप में से भी मैक्सिमम लोग जो है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो नेचुरल राइटर नहीं है, वो कोई ऑथर नहीं है कि उनके बुक को चलाना है इसलिए अब एसईओ करना है, नहीं, उन्होंने पहले बुक लिख दिया है और फिर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वो वाला प्रोसेस तो हम यहां पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेना होता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। आई होप इट इज क्लियर। परफेक्ट, अब जल्दी से चलते हैं गाइस कीवर्ड रिसर्च को करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या उठाना होता है। एंड द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल बी यूजिंग इन कीवर्ड रिसर्च इज आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। मतलब कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है। अगर आप एकदम रैंडम आंख बंद करके किसी को भी टारगेट कर रहे हो कि कोई भी आ जाए, तो आप बर्बाद हो जाओगे, आपका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी का ऑडियंस जो है वो फिक्स है। ओला टैक्सी जो यूज करता है ना वो मेट्रो नहीं जाता है, जो मेट्रो जाता है वो ओला टैक्सी यूज नहीं करता है। तो इसका सिंपल साइकोलॉजिकल आउटकम क्या है कि हर किसी के लिए उनका ऑडियंस जो है वो फिक्स है। सेम आपको भी कीवर्ड रिसर्च में ये ध्यान देना है कि आप
आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन है उसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और यहां पर टारगेट ऑडियंस को जानने के लिए हम हमेशा कस्टमर पर्सोनास पे फोकस करते हैं। अब कस्टमर पर्सोनास क्या है, मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी आपका पीस ऑफ सर्विस है उसके लिए आपके ऑडियंस का डेमोग्राफिक चेक करना, मतलब वो कहां रहता है, किस एरिया में रहता है, उस एरिया की लोकेलिटी क्या है, वो पॉश है वो नहीं है, या फिर वो एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, या फिर वो कैसा एरिया है, वो आपको देखना पड़ेगा। बिकॉज यही होता है ऑडियंस पर्सोना और यही होता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। इसके अलावा आप जो देखते हो आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट को देखते हो, आपके ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को देखते हो, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो इसको आपको खास ध्यान रखना है। तो इसमें मेजरली आपको क्या क्या देखना होता है मैं आपको बता देता हूं। डेमोग्राफिक्स का ध्यान रखना है आपको कि आपका ऑडियंस किस लोकेलिटी पे रहता है, किस एरिया में रहता है वगैरह वगैरह। देन उसके बाद आपको उसके इंटरेस्ट पे काफी ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है मोबाइल खरीदने का तो आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हो, आपको वो मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके मोबाइल पे या मोबाइल खरीदने का या फिर आपका जो भी सर्विसेस हो। जैसे मेरे लाउड रिव्यू के केस में मैं उन लोगों को ही तो टारगेट करता हूं ना जो लोग मोबाइल खरीदने आते हैं, जो लोग गैजेट्स खरीदने आते हैं मैं उनको टारगेट करता हूं। जैसे हेडफोन्स हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, उनको टारगेट करना मैं तभी कर पाऊंगा जब उनका वो इंटरेस्ट होगा। उनके पेन पॉइंट्स को फोकस करना, पेन पॉइंट्स मतलब कि वो कहां जाके अटक रहे हैं, उसको अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो गाइस आप समझ लो कि आपका कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मेरे लाउड रिव्यू के केस में अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीज है जो मेरे ऑडियंस को मेरे इस वेबसाइट तक खींच के लाती है, वो है उनका पेन पॉइंट, इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स। अब पेन पॉइंट क्या है गाइस, पेन पॉइंट पता क्या है, मैंने यहां पर पकड़ा है कि मेरे ऑडियंस को ये तो पता है कि उसको वीवो मोबाइल खरीदना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वीवो मोबाइल 15,000 के नीचे कौन से वाले बेस्ट हैं। तो यहां पर मैंने अपने ऑडियंस को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया है कि उसको नहीं पता कि 15,000 के नीचे वीवो के कौन से मोबाइल जो है वो बेस्ट है, ये उसका एक पेन पॉइंट है। यहां पर जाके वो काफी ज्यादा अटकता है, तो वो आ गया मेरे इस पेज के अंदर और उसको मैंने ये 5-6 मोबाइल जो है 15,000 के नीचे वीवो के आ जाएंगे मैंने बताना शुरू किया। वो हैप्पी हो गया, मेरे चेक Amazon वाले प्राइस पे चला गया, वहां पर मेरा एफिलिएट लिंक था, उसने बाय कर लिया एंड दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो इसे कहते हैं फर्स्ट स्टेप इन योर कीवर्ड रिसर्च व्हिच इज योर आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो यहां पर आप किस तरीके से कौन से पेन पॉइंट को, कौन से इंटरेस्ट को टारगेट करने वाले हो वो डिसाइड कर लो, अपने केस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे ध्यान रखना होता है, दैट इज आप कौन से कीवर्ड्स और कौन से फ्रेजेस को टारगेट करने वाले हो। मेरे केस में यहां पर आप खुद बताओ कि मेरा फ्रेज क्या हो सकता है जिस कीवर्ड को मुझे टारगेट करना चाहिए। गाइस बाय ऑब्वियस जैसे मैं अगर गूगल पे जाऊंगा तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मेरा जो सबसे बेस्ट कीवर्ड होगा वो क्या होगा, वही होगा ना बेस्ट वीवो फोन अंडर 15,000, सिंपल। तो ये है वो फ्रेजेस, ये है वो कीवर्ड्स जो कि आपके कीवर्ड्स के लिए मतलब आपके उस पेज के लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये वो फ्रेजेस हैं जिनको आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा यूज कर सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा ये वाला जो पेज है इसको हम काफी ज्यादा रैंक नहीं करा पा रहे हैं, 35 का पोजीशन है। आप जैसे कि देख रहे हो कि पोजीशन घटी है बल्कि, लेकिन इंप्रेशंस बढ़े हैं, तो धीरे धीरे हम इसको 35 पोजीशन से इसको टॉप 3 की पोजीशन पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट जैसा कि अभी हम इस वेबसाइट पे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जिस वजह से हमारा ये पोजीशन जो है ये ड्रॉप होता हुआ जा रहा है, बट हम जब दोबारा करना शुरू कर देंगे तब ये दोबारा से वापस आ जाएगा। सो दैट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन से फ्रेजेस होने चाहिए, जो कि हम डेफिनेटली अभी निकाल लेंगे कि कैसे हमें इसको निकालना होता है। तो इसको निकालने के लिए थर्ड स्टेप इज वी विल बी यूजिंग कीवर्ड रिसर्च टूल, जिसके अंदर सबसे पहला टूल आपका खुद गूगल है गाइस। यस, गूगल खुद आपका सबसे पहला टूल है जिसको आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मैंने यहां पर अभी लिखा, आप देख रहे हो कि जैसे मैंने बेस्ट वीवो फोन अंडर लिखा तो इसने मुझे वो सारे कीवर्ड देने शुरू कर दिए जो कीवर्ड मुझे चाहिए थे कि मेरी ऑडियंस क्या ढूंढती है, क्योंकि ये सारे वही फ्रेजेस हैं जो कि क्विक सर्चेस में आते हैं और इसी में से हम किसी एक को क्लिक कर देते हैं। और गूगल भी यही चाहता है कि मैक्सिमम ऑडियंस जो है इन्हीं किसी फ्रेजेस को क्लिक करे, ना कि वो अपना कोई इंडिविजुअल सर्च क्रिएट करे। बस यही फर्स्ट टूल है जो कि आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। सेकंड टूल जो आपको इस्तेमाल करना है दैट विल बी trends.google.com। अब मान लेते हैं आपका ये वाला कीवर्ड है बेस्ट वीवो फोन अंडर 15,000, गूगल ट्रेंड पे गए, यहां पर एंटर किया। अब आप क्या करोगे, आप चेक कर लो कि गूगल में इसका ट्रेंड क्या है। गाइस बंपर ट्रेंड है, देख रहे हो ये ऑलवेज आपका जो एवरेज है ये 70-80 के एवरेज में रहता है आपका ये सर्चेस, एंड दिस गोना बी द माइंड ब्लोइंग कीवर्ड अगर आप इसको टारगेट करते हो। अब आप यहां पर देख लो कि आपका जो कीवर्ड का डेमोग्राफिक है वो सबसे बेस्ट कौन सा होने वाला है। गाइस पंजाब, देख लिया आपको मैंने क्या कहा था कि डेमोग्राफिक कहां रहता है,
किस लोकैलिटी पे रहता है, ताकि आपके कन्वर्जन के जो एक्सपेक्टेशंस है वो आप मेट कर पाओ। तो अब आप खुद देखो कि वीवो मोबाइल के सर्चे सबसे ज्यादा इंडिया में कहां होते हैं, पंजाब में होते हैं, फिर झारखंड, फिर उत्तराखंड, फिर गुजरात, हरियाणा, मतलब अच्छे अच्छे स्टेट में होते हैं। तो कहीं ना कहीं चांसेस आर वेरी हाई कि आपका ऑडियंस जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके आपके पेज में आके कन्वर्ट हो सकता है, एंड दैट इज द रीजन। बट इसके अलावा अगर आपको और सर्चेस चाहिए, देन यू कैन यूज दिस रिलेटेड क्वेरीज जो कि यहां पर आपको मिल जाते हैं, एज यू कैन सी दैट। इनको भी इस्तेमाल कर सकते हो आप अपने कंटेंट के अंदर, ताकि आपको ये कीवर्ड्स का भी फायदा हो जाए, एंड दिस आर द रिलेटेड कीवर्ड। तो ये सेकंड टूल है जिसको आप इस्तेमाल करोगे अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का, लेट्स गो विद गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ये वाला है जो कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे और देन साइन इन करेंगे। आप किसी भी जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो इसके अंदर, मेरा ऑलरेडी साइन अप होगा क्योंकि मेरा ये अकाउंट गूगल पे चल रहा है। और यहां पर आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, जैसे आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे आपको क्या करना है, इसी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे एक सीड कीवर्ड का सबसे पहले आप इस्तेमाल करोगे, आपका सीड कीवर्ड क्या होगा, वीवो फोन इज योर मेन सीड कीवर्ड। तो आप यहां पर जाओगे, इसको कॉपी करोगे और सिर्फ वीवो फोन लिखोगे, ये हो गया सीड कीवर्ड। देन क्लिक ऑन गेट रिजल्ट्स, जैसे आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा वो सारे कीवर्ड्स जो कि आपको बता दिया जाएगा कि इन कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं, एज यू कैन सी दैट। तो कितने कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं, टोटल 2103 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि वीवो से रिलेटेड हैं। बट अगेन, क्या ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपको राइट ऑडियंस दे सकते हैं एक पर्टिकुलर पेज के लिए, जो कि पेज है ये वाला, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रखा है जो कि बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 ढूंढ रहे हैं। तो अब आप सिंपल एक काम कर सकते हो, आप एक एड फिल्टर लगा सकते हो। इस फिल्टर पे आप क्या कर सकते हो, आप कीवर्ड का फिल्टर लगाओ एंड यहां पर आप कंटेंट्स कर दो अंडर, कि जो अंडर लिख रहा है ना, इसका मतलब वो आपके बेस्ट ऑडियंस में से काउंट हो सकता है। अब यहां पर क्या आ गया, वीवो स्मार्टफोन अंडर 15,000, वीवो स्मार्टफोन अंडर 10,000, वीवो मोबाइल अंडर 8,000, वीवो फिंगरप्रिंट मोबाइल अंडर 10,000। ये क्या हो रहा है गाइस, इसने वो सारे आपको टॉपिक दे दिए जिन टॉपिक पे गूगल पे अच्छे खासे सर्चेस होते हैं। अगर आप चाहो तो इन सब पे अपना अपना जो कंटेंट बना सकते हो। अब वही बात आ गई ना कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहां पर समझाया था कि या तो आप कंटेंट लिख के कीवर्ड रिसर्च कर लो या फिर कीवर्ड रिसर्च करके कंटेंट लिखो। अब जैसे कीवर्ड रिसर्च में निकल के ये आया है कि वीवो बेस्ट फोन अंडर 20,000 भी लोग ढूंढते हैं, वीवो मोबाइल अंडर 6,000 भी ढूंढते हैं, 7,000 भी ढूंढते हैं, वीवो 5G मोबाइल अंडर 15,000, ऐसे ऐसे कीवर्ड से लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ना इस पे एक कंटेंट बनाया जाए। तो ये होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग अप्रोच, जिसके अंदर पहले कीवर्ड रिसर्च कर लो, उसके बाद आप उस पे कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज द सेकंड वे व्हिच यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कीवर्ड्स। देन फाइनल मेरा एक पेड टूल है व्हिच इज सेमरश। सेमरश डेफिनेटली पेड है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसका फ्री वर्जन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करके 14 डेज के लिए फ्री में सेमरश को यूज कर सकते हो, जिसमें सेमरश 14 डेज के अंदर आपको वो सारे कीवर्ड दे देगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लो और पूरे साल उसको यूज करते रहो। फिर भले ही 14 डेज के बाद अगर आपका ये बंद भी हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सेल फाइल के अंदर ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो अवेलेबल होंगे। अब आपको सेमरश पे जाना है, लेकिन ये ध्यान रखना वो 14 डेज का ट्रायल तभी मिलेगा जब आपके पास एक वीजा या मास्टर कार्ड हो, क्योंकि उसको आपको यूज करना है जब आप साइन अप करोगे। हाँ, भले ही उसमें पैसे नहीं कटेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन आपके पास एक वीजा और मास्टर कार्ड जरूर होना चाहिए। चलो अब मैं जल्दी से बताता हूँ कि इस पे क्या करना होता है। आपको कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना है और यहाँ पर आपको एक सीड कीवर्ड देना है। सीड कीवर्ड क्या आएगा, सीड कीवर्ड है आपका वीवो मोबाइल, एंड देन आप इसको इंडिया के लिए सर्च कर रहे हो तो इंडिया, वरना जिस भी कंट्री के लिए सर्च कर रहे हो उस कंट्री का। अब वीवो मोबाइल इस सीड कीवर्ड पे, सीड कीवर्ड होता है जो कि मेन कीवर्ड, एक बीज होता है जो कि पूरे वृक्ष को जन्म दे सकता है, मतलब बहुत सारे पत्ते उस एक सीड से आ सकते हैं। सेम एक सीड कीवर्ड से आपके पास कितने कीवर्ड आ गए हैं, 25,000 कीवर्ड आ गए हैं, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो वीवो मोबाइल प्राइस, ये प्रीमियम टूल है तो इसके अंदर आप वॉल्यूम देख पा रहे हो, कीवर्ड डिफिकल्टी देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आपके पास मिल जाती है। अब यहां पर सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है कि आपको कीवर्ड डिफिकल्टी डायरेक्ट मिल जाती है, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि किस कीवर्ड पे मुझे काम करना चाहिए और किस कीवर्ड पे नहीं। जो कीवर्ड ये ग्रीन वाले है ना, इस पे काम करोगे तो ये बहुत इजी टू रैंक वाले कीवर्ड होते हैं, बट जो ये रेड वाले होते हैं ये बहुत टफ होते हैं, इस पे रैंक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है अगर आप नई वेबसाइट हो। लेकिन हाँ, अगर आपकी साइट की भी अथॉरिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप 2-3-4 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हो, तब आप इन पे काम कर सकते हो, बट इनिशियल डेज में इन पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इनिशियल डेज में अगर आप ये ग्रीन वाले पे जाते हो तो ये काम आसान कर देता है। तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करता हूं, मैं अब देखो 25,000 कीवर्ड पे काम करना इंपॉसिबल है, लेकिन मेरे पास कुछ फिल्टर्स है, उन फिल्टर्स का इस्तेमाल करके मैं यहां पर फायदा उठाता हूं। नंबर वन फिल्टर, गाइस मैं उन कीवर्ड को ही लेना चाहूंगा जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 300 से स्टार्ट हो। तो मैंने यहां पर 300 पे क्लिक करके अप्लाई कर दिया। अब आप देखो 25,000 से वो सारे कीवर्ड हट गए जो कि 300 से नीचे का वॉल्यूम रखते थे सर्च का गूगल पे, क्योंकि 300 से नीचे के सर्च वाले वॉल्यूम कीवर्ड पे टारगेट करना इट्स यूजलेस, मेहनत भी बेकार जाएगी और ट्रैफिक भी नहीं आएगा, तो ऐसे कीवर्ड्स पे काम करने का कोई फायदा
थोड़ी ना है। तो अब देखो यानी कितने कीवर्ड्स मेरे लिए यूजलेस थे, मेरे लिए तकरीबन 23,400 कीवर्ड यूजलेस थे। अब ये वो कीवर्ड आ गए जिन पे मिनिमम 300 का सर्च तो होता ही है। बट क्या ये काफी है मेरे लिए? नहीं। अब मुझे ये देखना है कि वॉल्यूम तो मैंने पता कर लिया कि जिस कीवर्ड का वॉल्यूम हाई है वो वाले मुझे मिल जाए, बट इन पे रैंक करना क्या मेरे लिए आसान होगा? तो मैं उसको चेक करने के लिए कीवर्ड डिफिकल्टी का इस्तेमाल करूंगा इस फिल्टर का। अब इस फिल्टर में मैं चाहूंगा कि मुझे वो कीवर्ड मिल जाए जो कि एक नई वेबसाइट के लिए इजी टू रैंक होते हैं, और उसके लिए जो रेंज होता है ना वो होता है 25 या मैक्सिमम 29। लेकिन मैं चाहूंगा आप 25 से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत नए हो और आपके लिए टफ हो जाएगा अगर आप हाई डिफिकल्टी वाले कीवर्ड पे जाओगे। तो इसलिए 25 से स्टार्ट करो और धीरे धीरे स्लोली आप अपने आप को बढ़ाओ। अब देखो 600 से भी आपके पास सिर्फ 223 कीवर्ड रह गए हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा है और जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ही लो है। इन सारे कीवर्ड्स पे आप आराम से रैंक कर सकते हो एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड। अब देखो 223 कीवर्ड ऐसी कीवर्ड है जिन पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है जिस पे आपको बहुत टीम लगेगी। अगर आप दिन के 2-3 आर्टिकल पे भी काम कर रहे हो तो शायद आपका 1-1.5 महीने के अंदर ये सारा खत्म हो जाने वाला है। अब मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। सिंपल, जैसे आपको ये कीवर्ड की पूरी लिस्ट मिल गई, अब आपके पास 14 डेज का ही सिर्फ ट्रायल पीरियड है बाकी, तो आप जल्दी से इसको कर लो डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो ये 223 कीवर्ड की सारी डिटेल आपके पास एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी जो कि आप जब मर्जी इस्तेमाल करो। आप चाहे आपके पास सेमरश रहे ना रहे डजंट मैटर एंड देन यू कैन यूज ऑल दिस कीवर्ड। तो ये है वो सारा तरीका गाइस जिसको हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं और इसके लिए जो जो टूल्स का मैंने इस्तेमाल किया है इन टूल्स का आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब मान लेते हैं मेरे पास 223 कीवर्ड है ना, तो मैं सबसे पहले इससे स्टार्ट करूंगा आर्टिकल लिखना, फिर इस पे आऊंगा, फिर इस पे आऊंगा, फिर इस पे आऊंगा। मैं डेली एक आर्टिकल इस पे लिखता रहूंगा एंड उसका एसईओ करता रहूंगा। तो इसे कीवर्ड रिसर्च का फर्स्ट स्टेप माना गया है। अब आप इस पे बेझिझक काम करना स्टार्ट कर दो एंड यू विल फील कि आप बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो। एक काम करते हैं, इस लिस्ट को मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। अब जैसे ये डाउनलोड कर लिया मैंने एंड देन दिस इज विद यू, आप देख पा रहे हो, लेट्स ओपन इट और ये सारा कीवर्ड आपके पास आ गया एज यू कैन सी दैट। अब मैं क्या करूंगा, अब डेली मैं एक कीवर्ड लूंगा, उस पे आर्टिकल लिखूंगा और उस पे अपना काम शुरू कर दूंगा, उस पे एसईओ करना शुरू कर दूंगा। सो दिस इज नोन एज कीवर्ड रिसर्च। सो गाइस आशा करता हूं आपने कीवर्ड रिसर्च को बहुत प्यार से सीख लिया है और इसका फायदा अब आप लाइफ टाइम उठाने वाले हो क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं करते हो ना तो आपके 99% चांसेस होते हैं कि आप फेल हो जाओगे क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही इतना है। लोगों ने इतनी वेबसाइट बना ली है और इतने कीवर्ड पर रैंक करना शुरू कर दिया है कि अगर आप रैंडमली आंख बंद करके कोई भी कीवर्ड को चूज करते हो और उस पर काम करते हो ना तो 99% ये होता है कि आप फेल ही होगे क्योंकि सिर्फ 1% ऐसा कीवर्ड है जो कि तुक्के में आपके पास आ जाता और आप उस पर काम करते और आप रैंक करते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये एश्योर करना है कि हमें कीवर्ड पे रैंक भी आए और हम उससे ट्रैफिक भी लाए। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन भी कम होना चाहिए। इन दोनों का मिलन ही एक गोल्डन कीवर्ड को जन्म देता है और गोल्डन कीवर्ड निकालना हमने यहां पर सीख लिया है। अब चलते हैं सीधा ब्लूप्रिंट की तरफ और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। जैसे ही कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, अब उन कीवर्ड्स पे हमें डेली एक एक काम करना पड़ेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड, तीसरा कीवर्ड, चौथा कीवर्ड, इस तरीके से डेली एक कीवर्ड पिक करना है। मान लेते हैं एक कीवर्ड है XYZ। अब ये जो XYZ कीवर्ड है, इस कीवर्ड का करना क्या है, इस कीवर्ड को रैंक कराना है। रैंक किसको कराना है? कीवर्ड थोड़ी ना रैंक होते हैं, रैंक होता है कॉन्टेंट। तो यानी अब हमें एक कॉन्टेंट की जरूरत पड़ेगी और उसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे और वो कॉन्टेंट जिस पेज में जाएगा उसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आइए चलिए करके देखते हैं और इसका भी सीधा फायदा उठाते हैं मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। दोस्तों ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को दिखाने से पहले मैं आप लोगों को अपने कीवर्ड रिसर्च से उठाए हुए कुछ फायदे दिखा देता हूं ताकि आपका मोटिवेशन अप रहे, ताकि आपको लगे ना कि जो चीज मैं सिखा रहा हूं उस चीज में दम है, उसमें बात जो है वो 100% सत्य है। तो वो चीज आप यहां पर देख लो। अब जैसे कि मैं लाउड रिव्यू के अपने एनालिटिक्स अकाउंट में हूं, लाइक ये सेमरश का एनालिटिक्स अकाउंट है जिसके अंदर मैं कीवर्ड्स की पोजीशन को ट्रैक कर सकता हूं। तो आप यहां पर देख रहे हो कि मेरे पास जो कीवर्ड्स हैं 471 कीवर्ड मेरे रैंक कर रहे हैं। यहां पर आप देख लो 471 कीवर्ड, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं और 23 आवर्स एगो ही अपडेट हुआ है लिस्ट, तो इसका मतलब बहुत ही फ्रेश डेटा है। और इसमें अगर मैं दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि मेरे कीवर्ड जो हैं दिन-ब-दिन रैंक हासिल कर रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा डाउन हो गया बिकॉज़ हमने इसमें काम थोड़ा सा करना बंद कर दिया, बट ठीक है, मैं आपको मेन जिस्ट पे लाता हूं जो कि मुझे यहां पर आपको दिखाना है। अब हम यहां पर देखो कि 1 से 100 कीवर्ड, 471 कीवर्ड एक ही लिस्ट में तो दिखा नहीं पाएगा, 1 से 100 कीवर्ड का देख लो। तो गाइस ये है वो कीवर्ड जिन पे हम रैंक कर रहे हैं, ये है लास्ट वीक की पोजीशन और ये है इस वीक की पोजीशन। तो आप देख रहे हो
की बेस्ट हेडफोन्स अंडर 6000 इस पे लास्ट वीक में भी हम सेकंड पे रैंक कर रहे थे, आज भी सेकंड पे रैंक कर रहे हैं। इस कीवर्ड पे लास्ट वीक पे भी हम थर्ड पे कर रहे थे, यहाँ पर थर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन इस कीवर्ड पे हम एक ड्रॉप हो गए। ड्रॉप होने का रीजन कुछ भी हो सकता है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि ड्रॉप होने का रीजन क्या था, ताकि हम दोबारा काम करें और दोबारा अपनी पोजीशन को और बेहतर कर पाए। और इस तरीके से आप देख रहे हो फिफ्थ में रैंक कर रहे हैं, सिक्स में रैंक कर रहे हैं, सेवन पे, एट पे, नाइन पे, यानी हम मैक्सिमम कीवर्ड जो है हमारे मेन टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड पे हम टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं। और इसका सीधा श्रेय जाता है हमारे कीवर्ड रिसर्च को। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रिसर्च अगर नहीं होता और मैं आंख बंद करके अपने कोई भी कंटेंट को लिखा जाता और आंख बंद करके ही किसी भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कीवर्ड को उठा के उस पर ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर देता तो बाद में पता लगता मैं उस पर रैंक ही नहीं कर रहा। रैंक क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उस पर इतना कॉम्पिटिशन था कि हमें पता ही नहीं था, बस उसका ही सीधा हमने यहां पर एक वे आउट निकाल लिया है इस टूल के मदद से। और एक और चीज बता दूं, ये टूल आपके लिए भी हो सकता है, आपको तो पता ही है, जैसे कि मैं अपने हर YouTube वाले वीडियो में बता ही देता हूं कि अगर आपको SEMrush का 14 डेज का फ्री ट्रायल चाहिए जिसके अंदर पूरा आपको यही A to Z मिलेगा, पूरा प्रो फीचर मिलेगा, एक बार में इन कीवर्ड्स को जाओ अपना यूज करो और इसको डाउनलोड कर लो, मतलब कीवर्ड मैजिक टूल में से वो सारा कीवर्ड डाउनलोड करके अपने पास रख लो, 14 डेज के बाद भले ही आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहो तो आप कैंसिल कर दो सब्सक्रिप्शन, तो आपका एक पैसा भी नहीं लगा और आपको ये पूरी डिटेल जो है ये मिल गई। तो इसका पूरा फायदा आप उठा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। तो अब चलते हैं मेन काम पे, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है, विच इज नोन एज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना डैशबोर्ड जो है लॉगिन कर लो और डैशबोर्ड में जाके मैं आपको ये प्रोसेस दिखाऊंगा, आपको भी यही चीज करना है। सबसे पहले आपके पास एक प्लगइन होगा विच इज रैंक मैथ, मेरे पास प्रो प्लगइन है गाइस, रैंक मैथ का प्रो है, आप चाहो तो इसका फ्री वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर प्रो चाहिए तो सेशन में बने रहो, मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूं जिसमें आपको प्रो भी मिल जाएगा और वो भी बहुत कम प्राइस के अंदर, मतलब समझो कि मैं आपका बेनिफिट करा सकता हूं। अब मेरे पास रैंक मैथ प्लगइन है, तो रैंक मैथ प्लगइन के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख लो कि कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, कितने टोटल कीवर्ड्स हमारे रैंक कर रहे हैं, एवरेज पोजीशन क्या है हमारी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो। बट अभी फिलहाल हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पोस्ट पे जाना है और आपको ऑल पोस्ट पे क्लिक करना है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन से पोस्ट जो है हमारे लिखे जा चुके हैं, अब हम उसी पे ही आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना सिखाएंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरा एक कीवर्ड है विच इज नोन एज बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम इन इंडिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूं और इस पे ही हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को सीखने वाले हैं। सो मैं एलिमेंटोर में काम करता हूं क्योंकि एलिमेंटोर में मुझे बहुत सारे डिजाइनिंग फीचर्स मिल जाते हैं, मैं अपने पेज को अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना सकता हूं, कस्टमाइज कर सकता हूं, बस यही फायदा होता है। गटेनबर्ग एडिशन में इतना सारा आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो अब जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करना है। देखो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैंने यहां पर लिखा है, एज यू कैन सी दैट, तो ये कंटेंट एलिमेंटोर में मैंने लिखा है, लेकिन ये कंटेंट में आपको मेजरली काम क्या करना है, आपको कंटेंट तो आपको लिखवाने के लिए मैं आपको दूसरा एक वीडियो दे दूंगा कि कंटेंट कैसे लिखा जाता है। मान लेते हैं कि अभी हमारा कंटेंट जो है ये लिखा जा चुका है, सीधा आते हैं हम रैंक मैथ के प्लगइन में जो कि ये है SEO, आप देख रहे हो, तो यहां पर हमें मेजरली फोकस करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 81 का स्कोर अचीव किया है, 100 इज अ मैक्सिमम, और अगर ये ग्रीन हो गया तो मतलब आपने मैक्सिमम SEO स्कोर जो है वो अचीव कर लिया है। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 100% ही अचीव करना होता है, अगर ये ग्रीन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले गाइस आप अपना फोकस कीवर्ड यहां पर लिखोगे, फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जो कि अभी हमने कीवर्ड रिसर्च से निकाला था जस्ट लास्ट स्टेप में, उसी कीवर्ड को आप यहां पर लिखोगे, जैसे कि हमारे केस में है बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, मैं इस कीवर्ड पे गूगल पे रैंक करना चाहता हूं, मैं इस कीवर्ड पे उन ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं जो कि 12GB रैम में बेस्ट मोबाइल को ढूंढ रहे हैं इस टाइम पे, और अगर मेरा कंटेंट उन्हें मिल गया और अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो डेफिनेटली वो मेरे वाले एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके हो सकता है इसे बाय कर ले और यहीं से मेरा एफिलिएट मार्केटिंग भी हो जाएगा। बट अभी हम सिर्फ SEO में फोकस कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने इसको यहां पर कीवर्ड दे दिया है, आप एक से ज्यादा भी कीवर्ड दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप एक ही कीवर्ड दोगे। हां फ्री वाले वर्जन में आपको रैंक मैथ का इतना फायदा नहीं होगा जितना कि प्रीमियम में होगा, जैसे कि मैं इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स और भी डाल सकता हूं। अब जो मेन पॉइंट है उस पे आते हैं, गाइस देखो ये जितनी डिटेल्स है ना यहां पर, इनको आपको अचीव करना होता है, और ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको अचीव करना मतलब आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। कितने सारे पॉइंट है मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and then 15, 16, 17, 18, ये मैंने इसलिए हटा दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, ये इनका खुद का इंटरनल है, 19, 20, 21। तो गाइस 21 ऐसे पॉइंट है जो कि आपको इस पेज में ध्यान रखने हैं कि अगर आपने उनको ऑप्टिमाइज कर दिया तो आपके चांसेस जो हैं गूगल पे रैंक करने के वो बढ़ जाते हैं। अब एक एक को जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कि कौन से यहाँ पर वो पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक SEO से। अब ये बेसिक SEO का
मतलब क्या होता है, इसके बिना SEO माना ही नहीं जाएगा, मतलब इतना तो करना मैंडेटरी है, उसे कहते हैं बेसिक। एंड बेसिक का वर्ड जो है ना, ये डिराइव हुआ है बेस से, कि बेस जो है ना SEO का, वो ये कुछ पॉइंट्स है कि आपको इनको ध्यान रखना है। अगर आप इनको ध्यान नहीं रखते हो तो आप जितना मर्जी और बाकी चीजें कर लो, आपका कभी भी ये कॉन्टेंट रैंक नहीं करेगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको तो कवर करना ही करना है। तो चलो मैं आपको समझा देता हूं कि इनको कवर करने के लिए, जो कि आपको मेरे केस में दिख रहे होंगे कि ये सारे ग्रीन टिक है, एक रेड टिक है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमने उसको कवर नहीं किया, और ग्रीन वाले मतलब जो है हमने उनको कवर किया है और वो मेट भी हो गए हैं एज पर द ऑप्टिमाइजेशन रूल। कैसे करते हैं, चलो सबसे पहले अगर मैं आपको अपने ब्लूप्रिंट में ले जाऊं, तो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन का पहला काम क्या था, मेटा टैग्स। तो यहां पर मेटा टैग्स को ऑप्टिमाइज करना यहां पर आपको सिखाया जाएगा। तो एक्चुअली रैंक मैथ का मेजर काम क्या पता आपको, रैंक मैथ कोई जादुई टूल नहीं है जो आपको SEO करके दे देगा, आपको ये बताएगा कि आपने कितना अच्छा किया और कितनी चीज रह गई है करनी, वो कर लो। तो रैंक मैथ का काम है कि करना आपको ही पड़ेगा, ये सिर्फ बताता रहेगा, ठीक है ये अच्छा हो गया, ये ठीक हो गया, ये आपने कवर कर लिया, अब ये नहीं कवर किया, जल्दी से इसको कवर कर लो बस। लेकिन जानना आपको ही है, करना आपको ही है कि कौन सी चीजों को करना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा था मेटा टैग्स, कि इसको ऑप्टिमाइज करना है, हेडर टैग्स इसको ऑप्टिमाइज करना है, पोस्ट टैग्स इसको ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे जो हमने लिखे थे यही ये चीज बताएगा कि हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। एग्जांपल के तौर पे तो ये मेटा टैग्स होता क्या है, आइए चलिए समझाता हूं। अगर मैं गूगल पे जाऊंगा, लेट्स सपोज गूगल पे गया और यहां पर मैंने लिखा बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, मान लेते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो यहां पर बहुत सारे जो कंटेंट है वो रैंक कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे पेजेस रैंक कर रहे हैं। अब कोई भी आप पेज उठा लो यहां पर, उसमें आपको दो चीज कॉमन मिलेगी, एक ये जो क्लिकेबल लिंक है इसको कहते हैं मेटा टाइटल, और उसके बाद जो ये नीचे ग्रे पोर्शन है जो कि आप क्लिक नहीं कर सकते, सिर्फ उस पे थोड़ा सा और कंटेंट को बढ़ाया गया है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। और इन दो चीज के अलावा एक और चीज है विच इज नोन एज दिस वन, ये जिस पे आपको एक और क्लिकेबल लिंक दिख रहा है, दिस वन इज द क्लिकेबल, मतलब ये इसी का ही पार्ट है, बट इसे कहते हैं URL, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका जो वेबसाइट है वो कौन सा है, आप कौन सी वेबसाइट में लैंड करने वाले हो, यूजर को बताया जाता है, जैसे कि ये reliancedigital.in है और पेज कौन सा है, 12GB रैम मोबाइल वाला पेज है, ये भी मोबाइल वाला पेज है लेकिन 12GB अबव रैम पूरा नहीं आया क्योंकि इसका शायद URL बड़ा था। तो इस पूरे को कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यहां पर जितने भी आपको रैंक करते हुए मिलेंगे उनमें हर चीज बिल्कुल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले आपका ग्रे में URL आएगा, उसके बाद आपका मेटा टाइटल आएगा, और उसके बाद आपका मेटा डिस्क्रिप्शन आएगा। एम आई क्लियर? तो वापस आता हूं। अब हमारा सबसे पहला काम होगा मेटा टैगिंग करना, यहां पर एज पर दिस ऑप्टिमाइजेशन रूल मेटा टैगिंग। अब मेटा टैगिंग बेसिक SEO का बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो आप SEO में SEO कर भी रहे हो ना, ये कंसिडर ही नहीं होगा। कैसे, समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं इस पेज की मेटा टैगिंग करनी है मुझे, तो इस पेज की मेटा टैगिंग कहां पर होती है, मान लेते हैं ये वाला लेता हूं मैं, इसको ओपन करता हूं, और अब इस पेज में मेटा टैगिंग है कहां पर है, कैसे पता लगेगा। तो मेटा टैगिंग एक्चुअली में पेज के अंदर नहीं दिखता, पेज के सोर्स कोड में दिखता है, जो कि गूगल के बॉट्स पढ़ते हैं। और इसके अलावा मेटा टाइटल जो है वो आपको यहां पर दिख जाएगा लाइक दिस। जैसे मैं होवर करूंगा ना, अपने कर्सर को क्लिक नहीं करूंगा, होवर करूंगा, तो एक ब्लैक कलर का पॉपअप बॉक्स बन के आ गया, व्हिच इज जहां पर लिखा है बेस्ट 12GB रैम फोन इन इंडिया ब्रैकेट 21 जनवरी 2023, फिर digit.in वगैरह वगैरह, ये है मेटा टाइटल। और ये हो गया URL, मेटा टाइटल भी दिख गया, स्लग भी दिख गया, URL को यहां पर स्लग भी बोल सकते हो आप, URL और स्लग एक ही बात है, तो आप दोनों को कोई भी नाम दे सकते हो, तो ये दोनों चीज दिख गई, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा। इसके लिए इस पेज के आपको सोर्स कोड में जाना पड़ेगा, व्हिच इज राइट क्लिक एंड देन व्यू पेज सोर्स। अब यहां पर आ गया ना, यहां पर होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे ये मेटा 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 दिख रहा है आपको, यही सारी चीजें हैं जहां पर वो सारे आपके टैगिंग जो है छुपे हुए हैं। ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंट्रोल एफ करते ही आप लिखोगे टाइटल। जैसे आप टाइटल लिखोगे तो आपका यहां पर टाइटल दिख गया, ये रहा, ये वो टाइटल है जो कि अभी हमने पढ़ा था, यहां पर मैच कर लो, देखो सेम चीज है बिल्कुल, क्योंकि ये मेटा टाइटल है। अब इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन को लिखो, डिस्क्रिप्शन आप देखोगे यहां पर आपको मेटा नेम डिस्क्रिप्शन भी आ गया, ये रहा मेटा नेम डिस्क्रिप्शन जो है, ये है बेस्ट 12GB रैम मोबाइल फोन जनवरी जो भी है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, एज यू कैन सी दैट, ये पूरा जो है ये डिस्क्रिप्शन है, जहां तक ले जा रहा है ये इसका डिस्क्रिप्शन। तो इसे गूगल के बॉट्स पढ़ते हैं, आपको लगता होगा कि गूगल के बॉट्स यहां पर आते हैं, इस पेज में आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, गूगल के बॉट्स यहां पर नहीं आते दोस्त, गूगल के बॉट्स हमेशा इस पेज पे आते हैं। उसके लिए ये है कंटेंट, ये कंटेंट नहीं है, ये तो यूजर के लिए है, ये तो एक ह्यूमन के लिए है, इसी का ही जो सोर्स वाला वर्जन होता है इसमें पूरा कंटेंट छुपा हुआ है, इसमें एक एक छोटी से छोटी डिटेलिंग छुपी हुई है जो कि गूगल बॉट्स को पढ़ना होता है। इसी के चलते अब हम क्या करेंगे, हम इस पेज का मेटा टैगिंग करने वाले हैं। इस पेज का मेटा टैगिंग करने के लिए आपको क्या करना है, हमने यहां पर देखा कि ये रहा हमारा
हमारा वाला प्रीव्यू, ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज का वो स्निपेट है जो कि अगर हम रैंक करते हैं तो हमारा अभी कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एडिट स्निपेट पे क्लिक करना है और ये रहा कहानी जहां पर आपको टाइटल लिखना है। दिस इज मेटा टाइटल, दिस इज योर URL एंड दिस इज योर डिस्क्रिप्शन। यहां पर आप जो भी लिखोगे वो आपका यहां पर आने वाला है। यहां पर ये कौन सी जगह है, ये सर्प है। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं आपको रूल्स बताता हूं कि टाइटल कैसे लिखना होता है, परमालिंक कैसे लिखना होता है, विच इज ऑल्सो नॉन एज URL, विच इज ऑल्सो नॉन एज स्लग, और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना होता है। ये तीनों के कुछ रूल बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो मजा आ जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइटल के रूल से। सबसे पहला ध्यान रखना टाइटल में, आपका टाइटल जो है वो 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। अब कैरेक्टर्स का मतलब समझ लो कि 1, 2, 3, इसे कहते हैं कैरेक्टर। इस तरीके से आपका 50 से 60 कैरेक्टर के बीच में आपका पूरा जो टाइटल है वो खत्म हो जाना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस भी कैरेक्टर है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से ये पूरा जो है ये आपके 50 से 60 कैरेक्टर्स के बीच में आना चाहिए। और मैक्सिमम, इसकी कोई ऐसी लिमिट तो नहीं है, लेकिन अगर 50-60 से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर डॉट 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 आ जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया था कि कुछ चीजें डॉट डॉट में चली गई थी क्योंकि उनका जो URL है वो बढ़ गया था। जैसे ये सारे URL जो है बिल्कुल उस लिमिट के अंदर है जहां पर कोई भी डॉट 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 नहीं दिखा रहा है। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये बड़ा हो जाता तो ये इतना सा कट के डॉट 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 आ जाता, विच डजंट सीम्स गुड फॉर यूजर, क्योंकि यूजर को पता नहीं लगता कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और वो शायद आपका CTR में इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लिक ही नहीं करेगा, वो दूसरे में चला जाएगा। बस इसलिए ध्यान रखना कि दिस इज द रूल नंबर 1 कि 50 से 60 कैरेक्टर के बीच पर रखना। सेकंड जो आप रखोगे दैट इज कि आपको अपने इस टाइटल के अंदर अपना प्राइमरी कीवर्ड को इंसर्ट करना जरूरी है। अब ये प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, जो कि हमने कीवर्ड रिसर्च से निकाला है। जैसे कि मेरे केस में क्या था, ये देखो बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये देखो मेरे टाइटल में भी है बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। बस इसे कहते हैं रूल नंबर 2 ऑफ टाइटल कि आपको अपना प्राइमरी कीवर्ड जो है अपने टाइटल के अंदर रखना है। और बाकी आप इसके अलावा एक अच्छा सा थर्ड रूल जो है, ये एक जनरल रूल है जो कि हर किसी को ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइटल जो है बहुत ही मीनिंगफुल रखना है। Now, what do you mean by meaningful? ऐसा नहीं है कि आप कीवर्ड रखने के चक्कर पे अपने टाइटल की ऐसी तैसी कर रहे हो कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो और जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कोई लाइन नहीं बन रहा। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना बहुत जरूरी है, ये थर्ड एंड फाइनल रूल होता है टाइटल बनाने का, अगर आपको SEO ऑप्टिमाइज पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटल बनाना है तब उस केस में। तो आप इन तीन चीजों का ध्यान रखोगे टाइटल के केस में। अगर आपको समझ आ गया तो जल्दी से कमेंट में लिख दो यस आई गॉट टू नो हाउ टू राइट एन ऑप्टिमाइज्ड टाइटल, जल्दी से लिख दो फटाफट से। नाउ ये हो गया मेरा टाइटल, मेरा बन गया जैसे आप देख रहे हो। हमारे टाइटल में कुछ हमने वेरिएबल्स भी यूज किए हैं, व्हिच इज कि मैं चाहता हूं कि मेरा टाइटल जो है बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम इन इंडिया January 2023। अब ये January 2023 कैसे आया, ये वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑटोमेटिक रैंक मैथ के थ्रू आ जाते हैं। रैंक मैथ के प्रीमियम होने का ये भी एक फायदा है। और अब जब भी कोई यूजर फरवरी में आएगा उसे यहां पर फरवरी दिखाई देगा, जब भी कोई यूजर यहां पर मार्च में आएगा उसे मार्च दिखा जाएगा, वो ऑटोमेटिकली यहां पर जो है ना अपना डेट मंथ चेंज करता रहेगा। तो ये एक फायदा है जो कि यूजर को लगेगा कि ये एक लेटेस्ट कंटेंट है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम केस में, ये देखो मैक्सिमम केस में इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस नहीं है, ये एक मार्केटिंग ट्रिक है जिसको इस्तेमाल किया जाता है बाय ऑल द बिग ब्रांड्स, इवन जितने भी बिग ब्रांड है उनके थ्रू भी। आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेटेजी है और मैं भी इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल जरूर करता हूं। तो दिस इज आवर फर्स्ट थिंग जो हमने टाइटल के केस में इस्तेमाल किया है, सिंपल। अब आते हैं लिंक के केस पे। गाइस लिंक जिसे हम परमालिंक भी बोलते हैं, इसको भी ऑप्टिमाइज करने का सिंपल तरीका है परमालिंक। अब परमालिंक को ऑप्टिमाइज करने के भी मैं कुछ रूल्स बता देता हूं। जैसे रूल नंबर 1, सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि आपके परमालिंक में आपका कीवर्ड हो। जैसे मेरे केस में बेस्ट मोबाइल 12GB रैम इंडिया, ये आ गया है, मेरा कीवर्ड आ गया, दैट इज गुड। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपके परमालिंक जो है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो। अगर आपका जो कीवर्ड होता बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया विद 12GB रैम फॉर मेन, अगर ये कीवर्ड होता तो आप इतना बड़ा परमालिंक नहीं बनाते, उसमें से आप फॉर हटाते, उसमें से आप इन हटाते, मतलब वो सारे प्रीपोजिशंस, वो सारे आपके नाउन्स, ये सब हट जाएंगे जो कि परमालिंक में नहीं आने चाहिए, जो कि आपके कंटेंट को बढ़ाए जा रहे हैं। अगर यहां पर होते तो मैं वो जरूर हटाता, जैसे कि मैंने यहां से विद, ये विद लिखा था, यहां पर आपको परमालिंक में विद नजर नहीं आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो मेन मेन वर्ड्स हैं जो कि एक्चुअली में प्रोनाउन है वो आपके यहां पर आने चाहिए, जैसे कि बेस्ट मोबाइल 12GB रैम, ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि यही वो सर्च है जो कि आपका ऑडियंस कर रहा है और दैट रियली प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। आई होप आपको सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो मेजरली परमालिंक के केस में ये दोनों चीजें आपको खाली ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। फाइनल हमारे मेटा टैगिंग के अंदर जो आता है
दैट इज नोन एज मेटा डिस्क्रिप्शन, जिसे आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, बाद में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो मेटा लिखा नहीं है, आप इसे मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए मैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा हूं, जो जो चीजें यहां पर जैसी जैसे लिखी है मैं वैसे लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। डिस्क्रिप्शन का रूल नंबर वन, सबसे पहले आपका डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए दैट हैज टू बी 130 से लेके 150 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। आप यहां पर पढ़ सकते हो कैरेक्टर लिमिट कितनी है, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप अगर लगाओगे। तो मैंने भी इसको 130 से 150 कैरेक्टर के बीच में ही लिखा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर नो मैंडेटरी कि आपका प्राइमरी कीवर्ड आए। इसमें प्राइमरी कीवर्ड अगर नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, आप प्राइमरी कीवर्ड दोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्राइमरी कीवर्ड देना है। अगर आपका सेंटेंस बन रहा है तो देना। मैंने क्या किया है, मैंने सेंटेंस ही ऐसा बनाया कि मैंने प्राइमरी कीवर्ड मेरा आ गया तो इसलिए मैंने दे दिया, अगर नहीं आता तो मैं नहीं देता। लेकिन अगर आप प्राइमरी कीवर्ड नहीं देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको वो बहुत ज्यादा मोनोटोनस नहीं बनाना कि हर जगह यही कीवर्ड बार बार कैसे आ रहा है, तो आप इसका LSIB इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसका सेकेंडरी कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब सेकेंडरी कीवर्ड और LSI में क्या फर्क होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये एक प्राइमरी कीवर्ड है। इसका LSI क्या बन सकता है, LSI के लिए आप बहुत सारे LSI जनरेटर के ऐसे टूल इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल पे जाकर आप लिखना LSI जनरेटर तो आपको दे देगा। तो बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम की जगह आप लिख सकते हो मोबाइल विच हैज 12GB रैम या टॉप मोबाइल्स विद 12GB रैम। इस टाइप की चीजों को आप LSI में काउंट करा सकते हो, मतलब मीनिंग चेंज ना हो, वर्ड्स चेंज हो जाए। दैट इज आल्सो नोन एज LSI, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, आप गूगल के उस पर्टिकुलर स्क्रूटिनी से बच जाओगे जिसके अंदर गूगल खुद ढूंढता है कि कहीं ये ओवर ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं कर रहा, कहीं ये इस कीवर्ड के लिए डेस्परेट तो नहीं है, इसी कीवर्ड को रैंक कराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। इस पॉइंट से बचने के लिए हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये होता है LSI। थर्ड जो आपको रूल का ध्यान रखना है कि अब यहां पर आपके पास लिमिट ज्यादा है टाइप करने की, यहां पर कम थी तो आपके पास लिमिट भी उतना ही था कि आप इतना ही लिख सकते हो, यहां पर ज्यादा है तो आप यहां पर दो सेंटेंस तो मिनिमम लिख सकते हो, दो सेंटेंस लिख सकते हो। तो मेक श्योर कि आपका दो सेंटेंस जो है ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कीवर्ड को स्टफ करने के चक्कर में कुछ भी लिख रहे हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैज जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम ऑन, डेट क्या है, डेट देखो, आज का डेट इसने अपने आप ले लिया, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आज देख लो 21 तारीख है, इसने अपने आप ले लिया, फॉर यू टू हेल्प यू टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक ही सेंटेंस में निपटा दिया लेकिन सबको कवर करते हुए। आप चाहो तो इसको दो सेंटेंस में निपटा सकते हो लेकिन मीनिंग देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कीवर्ड कीवर्ड को स्टफ कर जा रहे हो और मीनिंग नहीं बन रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। एग्जांपल के केस में अगर आप यहां पर देखो बेस्ट 12GB रैम मोबाइल फोन जनवरी 2023 सैमसंग गैलेक्सी ओप्पो, इसने क्या किया बता दिया कि कौन से फोन भी हैं। तो आप यहां से भी आइडियाज लिख सकते हो, अगर आपको आइडिया चाहिए खुद कीवर्ड लिखो, देखो जो रैंक कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है, आप उनका आइडिया लेके भी यहां पर अपने केस में डिस्क्रिप्शन को बना सकते हो। तो दिस इज नोन एज द बेसिक ऑफ योर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमने यहां पर मेटा टैगिंग को अंजाम दे दिया है। तो गाइस जिसको भी SEO मेटा टैगिंग का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन समझ आ गया है जल्दी से एक और कमेंट करो और लिखो यस आई हैव अंडरस्टूड SEO मेटा टैगिंग। अगर लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ गया है, मैं उस पे हर्ट दे दूंगा या फिर मैं उसको लाइक दे दूंगा। तो मतलब यह है कि मैंने ये आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। तो जल्दी से इसको करो और फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बाकी की चीजें कैसे कवर करते हैं। अभी देखो सारे ग्रीन होते हुए चले गए ना कि हमने टाइटल में भी अपना कीवर्ड यूज किया है, हमने डिस्क्रिप्शन में भी अपना कीवर्ड यूज किया है और हमने URL में, ये कह रहा है कि आपका URL में आपका कीवर्ड नहीं है। क्यों नहीं है पता है, क्योंकि इसको चाहिए था एज इट इज और मैंने क्या दिया है, आप यहां पर देखो मैंने एज इट इज नहीं दिया है, मैंने बेस्ट मोबाइल में विद हटा दिया है ना, तो इसलिए इसको लग रहा है कि मैंने दिया नहीं है। हालांकि रैंक मैथ एक टूल है, मुझे पूरा भी इस पे डिपेंड नहीं होना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि चीजें एक्यूरेट है ना, मतलब सेंस बन रहा है ना, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो रैंक मैथ के अकॉर्डिंग नहीं चलता। रैंक मैथ कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो अच्छा है, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम इससे ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये पता कर लेगा कि हाँ भैया ये सेम चीज है, मतलब इसका पेज का मीनिंग और पेज का URL सेम है। तो इसलिए मैंने नहीं दिया, जस्ट टू मेक इट मोर नेचुरल कि मैंने बिल्कुल ही ओवर ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में हर जगह वही सेम कीवर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने उसे बचने के लिए किया है। अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप सेम बिल्कुल एज इट इज दे सकते हो, तो आपका ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये तीन चीज हमने कवर कर ली है जो कि मेटा टैगिंग का पार्ट होता है। तो गाइस अब आते हैं बाकी वाले पॉइंट्स पे, जैसे कि नेक्स्ट फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। अब हम अपने कंटेंट वाले पार्ट में आ गए, अब हम मेटा टैगिंग में नहीं है। जैसे कि पहले हम सिर्फ मेटा टैगिंग कर रहे थे जिसके अंदर ये तीन चीज हो गई ना, अब कंटेंट पे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि आपके फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट के अंदर आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। मेरा फोकस कीवर्ड क्या है, मेरा फोकस कीवर्ड है बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, और ये मुझे कह रहा है कि आपका कंटेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर पहले 10% में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा
का कंटेंट 2948 वर्ड का है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, तो फर्स्ट 10% कितना हो गया, मतलब 290 वर्ड तक, मतलब यहां से लेके यहां तक, या फिर थोड़ा सा मुझे काउंट करना पड़ेगा कौन सा वर्ड कहां पर लिमिट हो रही है, तो मुझे इसके अंदर कहीं ना कहीं एज इट इज ये मेन कीवर्ड को यूज करना है, जो कि मैंने कर लिया है, तभी ये राइट क्लिक दिखा रहा है। तो अब कहां पर किया है एक बार देख लो, तो मैंने तो फर्स्ट लाइन में ही यूज कर लिया दोस्त, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, तो इसका मतलब इसलिए इसने ग्रीन दिखा दिया। अगर मैं यहां पर कहीं पर भी यूज कर लेता इस पूरे सेक्शन के अंदर, तो ये ग्रीन हो जाता, क्यों? एज पर द एसईओ ऑप्टिमाइजेशन रूल, रैंक मैथ ये कहता है कि आपका जो मेन फोकस कीवर्ड है ना, जिस पे आप रैंक करने की कोशिश कर रहे हो, वो स्टार्टिंग में ही कहीं होना चाहिए, जिससे गूगल के बॉट को ये अंदाजा लग जाए कि आपका ये कंटेंट पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे रैंक कराना चाहिए। हालांकि वो आपसे पूछेगा नहीं, गूगल आपसे ना पूछता है ना आपसे कोई सिग्नल लेता है, लेकिन वो खुद डिसाइड करता है। लेकिन वो खुद भी जब डिसाइड करता है ना, तो उसका एल्गोरिथम क्या होता है कि कौन सा कीवर्ड जो है ना प्रोमिनियंट है यहां पर इस पर्टिकुलर पेज को रैंक कराने के लिए। बस उसी का ही फायदा यहां पर हमें उठाना पड़ता है कि हम अपना फोकस कीवर्ड को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, और जब हम ऊपर रख देते हैं ना, तो मतलब गूगल वहीं से एक सिग्नल उठाता है कि हो सकता है इस पेज का जो रियल कीवर्ड है जिसपे लोग इसको सर्च करेंगे और ये एक बेस्ट कंटेंट माना जाएगा, वो होगा बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। तो ये होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब, जो कि हमने कवर कर लिया है आपको कवर करने के लिए। आप कभी भी अपने फर्स्ट 10% कंटेंट में मेन कीवर्ड देना मत भूलना। आप मेन कीवर्ड दोगे तब का ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब आपका मेन फोकस कीवर्ड जो भी है, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये आपके कंटेंट में है, बस यही सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में आपका मेन कीवर्ड नहीं है, तो गूगल कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएगा कि आपको किस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कराना है। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, मैं कंट्रोल एफ अगर करूं और मैं लिखता हूं बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, तो आप देख लो गाइस पूरे कंटेंट के अंदर आपको ये 7 बार मिलेगा। कैसे? एक यहां पर मिल गया, नीचे और चलते हैं, दूसरा देखते हैं कहां पर है, और दूसरा यहां पर मिल गया, तीसरा देखते हैं कहां पर है, ये जहां पर आपको ये लाइंस दिख रही है वहां आपको मिलेगा, तीसरा आपको यहां मिल गया, आप अगर देखोगे मैं इसको लाता हूं, तो तीसरा आपको यहां पर मिल गया। तो ये जो है कंटेंट के अंदर बेस्ट 12GB रैम जो है ये आपको मिलना चाहिए। हालांकि इस कंटेंट को अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है, इसीलिए आपको ये नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आपको पूरे अपने कंटेंट के अंदर बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम को इस्तेमाल करना है। वो कैसे करना है? वो 3 मेजर फैक्टर्स उसपे इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1, सबसे पहले डेंसिटी, आपके कंटेंट के अंदर आपका जो कीवर्ड है वो कितनी बार आना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका कंटेंट कितना लेंदी है। जैसे मेरा कंटेंट 2948 वर्ड्स लेंदी है, मतलब ये 3000 वर्ड का अप्रोक्सीमेटली है, तो मैं मानूंगा कि अगर मैं मानता हूं एक जनरल रूल, हालांकि ऐसा कोई रूल दुनिया में डिफाइंड नहीं है, ये प्योर बेस्ड होता है एक्सपीरियंस पे कि किसको कितना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने का एक्सपीरियंस है। मुझे है, मैंने आपको दिखा दिया, तो मैं उस बेसिस पे कह रहा हूं। बाकी आपको अगर किसी और का भी मानना है ये रूल, तो आप मान सकते हो, बट मैं मानता हूं कि 0.5% से लेके आपको मिनिमम 1% तक का कीवर्ड जो है डेंसिटी मेंटेन करना चाहिए। अब डेंसिटी कहोगे तो कहोगे क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 3000 वर्ड है, 3000 वर्ड का 0.5% कितना होगा, कैलकुलेटर कर लेते हैं, और 0.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3000, तो मुझे 15 बार मिनिमम कीवर्ड को यूज करना है, और मैक्सिमम फॉर एग्जांपल मुझे और ज्यादा जरूरत पड़ रही है कीवर्ड को यूज करने की, तो मैक्सिमम 30 बार मुझे यूज करना है। तो इतना तो कीवर्ड मुझे अपने पूरे कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करना ही है, अगर मुझे अपने इस कीवर्ड का प्रोमिनियंस क्रिएट करना है, इस कीवर्ड का, अदरवाइज गूगल को लगेगा कि ये कीवर्ड आपके लिए प्रोमिनियंट नहीं है। प्रोमिनियंट मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो प्रोमिनियंस बस यही प्रूफ होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा गूगल को ये दिखाना होता है कि ये वाला कीवर्ड अगर बार बार यूज हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हाँ ये इस कीवर्ड पे ये रैंक करने के चांसेस रखता है। तो 15 मिनिमम बार, हालांकि ये कंटेंट खाली 7 बार दिख रहा है आपको, और 7 बार भी कंटेंट के अंदर नहीं है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, 3 ही है कंटेंट के अंदर, तो मिनिमम तो 15 बार देने हैं मुझे और 12 बार यूज करने हैं। तो अब जो 12 बार यूज करने हैं, वो 12 बार कैसे यूज करने हैं, उसके लिए हम जो यूज करेंगे दैट इज नोन एज प्लेसमेंट्स। अब प्लेसमेंट्स एक रूल है गाइस, आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड को इस्तेमाल करने का प्लेसमेंट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो कि आपको अपने कंटेंट के कीवर्ड को कहां यूज करना है इसको समझाने में हेल्पफुल होगा, तो आप सही से समझने की कोशिश करो। प्लेसमेंट में मैं जो अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह सकता हूं कि आपको कहां का यूज करना है, वो ये है कि अगर आप 15 कीवर्ड मिनिमम तो आपको यूज करना ही है, अगर आपको अपना प्रोमिनियंस क्रिएट करना है, तो अब मान लेते हैं इन 15 कीवर्ड में से पहले 30% कीवर्ड आप कितने हो गए, 30% कीवर्ड इसके 4.5, यानी मैं अप्रोक्सीमेटली 5 कीवर्ड मान लेता हूं, 5 कीवर्ड आप अपने पहले 500 वर्ड में यूज कर लो। समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, मतलब कि आप इसका 30% कीवर्ड जो है ना आप पहले 500 वर्ड में यूज कर लो, मतलब यहां
यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं कि आप इसको कम से कम 5 बार कीवर्ड दे दोगे। हालांकि मैंने कितनी बार दिया है, 1 बार 2 बार, बट अभी भी 3 कीवर्ड और देने हैं। कहां तक? यहां तक। 3 कीवर्ड कैसे दोगे? बट हां, कीवर्ड देने के डेस्परेशन में ये मत भूल जाना कि आपका जो मीनिंग का सेंस है वो चेंज ना हो जाए, या फिर आपका बहुत वो अगली ना लगे, बहुत भद्दा सा ना लगे कि अननेसेसरली इतनी बार कैसे आ सकता है यार, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, इतनी बार कैसे आ सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। तो इसीलिए कोशिश करना कि अगर आपका मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सकते हो तभी आप कीवर्ड स्टफिंग की कोशिश करना, वरना कीवर्ड स्टफिंग की बहुत बड़ी पेनल्टी होती है दोस्त। इसलिए तो ये हो गया फर्स्ट रूल, आप ध्यान रखना 5 कीवर्ड पहले 500 वर्ड में आ जाए और बाकी जो रहे 10 कीवर्ड उसको आप रेस्ट ऑफ द कंटेंट में यूज कर लो। इससे क्या रहेगा, आपके कीवर्ड का जो फ्लो रहेगा थ्रू आउट द कंटेंट वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड वे में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कीवर्ड एक ही जगह पे सारे आ गए और बाकी पूरा कंटेंट जो खाली पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। मेरे केस में देखो यहां पर एक बेस्ट एग्जांपल है, ऊपर 2 कीवर्ड आ गए, बीच में यहां पर कहीं कीवर्ड नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, किसी सीधा और लास्ट में एक कीवर्ड है। तो ये एक सही ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, आपको थ्रू आउट द कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रखना पड़ेगा अपना जो कीवर्ड है। जैसे यहां पर भी आना चाहिए था, 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 थ्रू आउट द कंटेंट वो आना चाहिए था। बट अगर नहीं आया तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, या तो मैंने ऑप्टिमाइज नहीं किया या तो फिर मैंने अपना थर्ड रूल यूज किया कंटेंट को कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज करने का, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी। अब ये प्रॉक्सिमिटी का क्या सीन है दोस्त? देखो प्रॉक्सिमिटी इज लाइक कहीं ना कहीं हमें गूगल की आंखों में थोड़ा सा धूल झोंकना होता है, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मीनिंग जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। प्रॉक्सी वॉर मतलब कि ऑफिशियली दर्ज नहीं है कि ये वॉर है, बट फिर भी वहां से थोड़ी गोली चलती है, हम थोड़ा गोली चला देते हैं, थोड़े उनके लोग घायल हो जाते हैं, थोड़े हमारे लोग घायल हो जाते हैं, और ये कहीं भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि हमारे बीच में ऐसी कोई लड़ाई चल रही है। इसे कहते हैं प्रॉक्सी। और प्रॉक्सिमिटी मतलब कि आप हमें क्या करना है, हमें एक चालाकी करनी है, क्योंकि अगर मैं अपने कंटेंट के अंदर 15 से 30 बार बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम इसका इस्तेमाल कर लूं, तो एक खतरनाक चीज क्या हो सकती है पता है? गूगल को समझ आ जाएगा कि मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड को स्पेशली रैंक कराने के लिए ये सारी चीजें कर रहा हूं। ये सारा डेस्परेशन जो है गूगल को एकदम से साफ साफ दिख जाएगा, क्योंकि गूगल को पकड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, उसका बहुत बड़ा सर्वर है भाई, उसका जो AI है, उसका जो एल्गोरिदम है वो इतना शार्प है। ऐसे ही नहीं, गूगल वर्ल्ड का नंबर 1 जो सर्च इंजन है वो है, उसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस हैं, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स हैं जिनके अंदर ये कैलकुलेशन चुटकियों में हो जाते हैं, बिलियंस ऑफ पेजेस का वो ये पता लगा लेता है कि कौन से पेज रैंक करने के लिए रेडी है, कौन से एलिजिबल नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसको चीटिंग डेफिनेटली मतलब सीधे मुंह तो चीटिंग नहीं कर सकते उसके साथ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उससे चालाकी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वो भी एक रोबोट है, रोबोट को कंफ्यूज करा जा सकता है एक हद तक, लेकिन उससे जीता नहीं जा सकता सीधे में। तो अब यहां पर प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि हम यूज करेंगे LSI कीवर्ड्स का। मतलब अगर आप अपने पूरे कंटेंट में 15 कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हो तो 15 के 15 आप 12GB या बेस्ट 12GB रैम मोबाइल फोन जो कि मेरा मेन कीवर्ड है उसको मत यूज कर लेना, आप हर बार अलग अलग कीवर्ड का इस्तेमाल करना जिसका सेंस वही बने कि बेस्ट 12GB मोबाइल वगैरह वगैरह, जो कि मेरा मेन कीवर्ड है। अगर मैं दोबारा आपको दिखाऊं तो मेरा मेन कीवर्ड जो है दैट इज बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, मीनिंग बिल्कुल यही बनना चाहिए, लेकिन कतई उसका जो वर्ड है वर्ड टू वर्ड मैच ना हो, क्योंकि बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम पूरे कंटेंट के अंदर बार बार अगर आएगा ना तो ये यूजर के लिए भी अच्छा नहीं है, और यूजर के लिए अच्छा नहीं है तो गूगल तो बोलेगा भैया मेरा यूजर ही खुश नहीं है, और मेरे यूजर को ही ये बहुत स्पैमी सा लगेगा कि यार क्या बार बार ये चीज आ रही है जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा। तो गूगल तो आपको दूध में मक्खी की तरह उठा के फेंक देगा, बोलेगा चलो जाओ टाटा बाय बाय, आपका कॉन्टेंट हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए हम प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी इस्तेमाल में क्या क्या होता है, देखो मेरा मेन कीवर्ड क्या है, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये हो गया। तो इसका जो प्रॉक्सी लग सकता है वो कैसे लग सकता है कि आप LSI कीवर्ड जनरेटर इस्तेमाल कर लो। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं कौन से इसका LSI यूज कर सकता हूं, इसी का ही दूसरे वेरिएंट यूज कर सकता हूं, तो आप एक काम करो keyresearch.co पे पहुंच जाओ, जो कि गूगल पे अगर आप लिखोगे LSI कीवर्ड जनरेटर तो मिल जाएगा। यहां पर मैंने अपना वो कीवर्ड मेन लिख दिया, आई एम नॉट अ रोबोट कर दिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। सर्च पे क्लिक करते ही मुझे लॉट्स ऑफ LSI कीवर्ड देना शुरू कर देगा, और जिसका मैं इस्तेमाल अपने साइट के अंदर कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे यहां पर 1 word 2 word 3 word, ये तीनों के मुझे कंटेंट दे दिए गए कि आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो वो सिमिलर माना जाएगा आपके मेन कीवर्ड से, कि इनका भी इस्तेमाल करके आप अपने कंटेंट का जो पोटेंशियल है पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए बढ़ा सकते हो। जैसे आप फोन वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करो, आप मोबाइल वर्ड का इस्तेमाल करो, आप सैमसंग, ऑफ कोर्स ये मोबाइल फोन में आता है, सैमसंग गैलेक्सी, वन प्लस, अल्ट्रा फोन, ये सब कुछ भी है, आप इसका इस्तेमाल करके लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्स को आप यहां पर स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हो। अब देखो यहां पर हुआ क्या, बेस्ट मोबाइल की जगह मैंने बता दिया बेस्ट फोन्स विद 12GB रैम, एज इट इज कीवर्ड तो नहीं हुआ ना, मोबाइल की जगह फोन रिप्लेस हो गया, मोबाइल फोन्स विद 12GB रैम बेस्ट हट गया। देन आप यहां पर लिख सकते हो 12GB रैम मोबाइल फोन, तो ये एक LSI हो गया। तो कितने सारे LSI बन रहे हैं, एक बार हम बना ही लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। सबसे पहले
चलते हैं 12GB रैम, इसको कॉपी करते हैं एंटर और इसके साथ लगा देते हैं बेस्ट फोन्स विद, यानी बेस्ट फोन्स विद 12GB रैम बन गया है क्या सही। देन दूसरा लैसे ही बनाते हैं, कैसे बनाना है मान लेते हैं मोबाइल फोन्स विद 12GB रैम, 12GB रैम लाइक दिस। एक और बना लेते हैं मोबाइल फोन्स 12GB रैम, 12GB रैम मोबाइल फोन लाइक दिस। तो गाइस देखो हमारा जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। अब इसके तीन LSI बन गया, देखो बेस्ट फोन्स विद 12GB रैम, मोबाइल फोन्स विद 12GB रैम, 12GB रैम मोबाइल फोन। तो गाइस ये इस तरीके से आप LSI का इस्तेमाल कर सकते हो जगह जगह पे। अब आप जितना मर्जी कंट्रोल F कर लो और आप लिख के देख लो, आपको ये चीज नहीं मिलने वाली एज इट इज। बस यही गूगल के बॉट जो है वो कंफ्यूज हो गए कि हम सेम कीवर्ड पे डेस्परेट नहीं हो रहे कि हमें इस पे रैंक करना है। अब मैं आपको जादू दिखाना चाहता हूं, जैसे मान लेते हैं अगर मैं यहां पर सिर्फ रैम लिखूं, रैम 42 बार है, व्हाई, मैंने हर बार 12GB बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम को यूज नहीं किया है, मैंने यहां पर प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हो कि जगह जगह आपको प्रॉक्सी मिल जाएंगी। ये वाला देखो रैम तो है लेकिन एज इट इज वर्ड नहीं है, जैसे ये 12GB रैम सिर्फ इतना वर्ड भी जो है ना ये प्रॉक्सी है, इसके अलावा कहां प्रॉक्सी है देखो विद 12GB रैम आ गया ना, तो ये विद 12GB रैम भी मेरा ही कीवर्ड है। और इसके अलावा और दिखाते हैं रैम, देन रैम 12GB ऑफ रैम, देन रैम, तो यानी मैं 12GB रैम इसको कितना प्रमोट कर रहा हूं, 12GB ऑफ रैम देख रहे हो। तो यानी 12GB रैम कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऐसा कीवर्ड साबित हो रहा है जो कि मेरे लिए LSI है, LSI ऑफ माय मेन कीवर्ड। तो मेरे मेन कीवर्ड को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से मेरा जो मेन कीवर्ड है उसका डेस्परेशन क्रिएट नहीं हो रहा है। और डेस्परेशन क्रिएट नहीं हो रहा है तो गूगल को मैं आसानी से चकमा दे सकता हूं, या फिर सीधी वर्ड में और एक जेन्युइन वर्ड में मैं इसको कन्विंस कर रहा हूं कि मेरा ये वाला जो कीवर्ड है मेरा सबसे मेन कीवर्ड है, मैं इसे रैंक कर जाता हूं। तो ये थी कहानी आपके कंटेंट के अंदर प्रॉक्सिमिटी क्रिएट करने की। तो तीन चीज सीख गए गाइस हम, तीन चीजें कौन से सीख गए कंटेंट के अंदर गाइस, एक तो डेंसिटी मेंटेन करना है आपको कि आपको मिनिमम 0.5% का मेन कीवर्ड और LSI दोनों मिला के आपको कम से कम 15 कीवर्ड रखने हैं अगर 3000 वर्ड का आपका कंटेंट है, या मैक्सिमम 1% अगर आपको बहुत ज्यादा और इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसके अलावा प्लेसमेंट कि हमारे कीवर्ड्स कहां कहां होने चाहिए कंटेंट के अंदर, तो गाइस पहले 5 कीवर्ड जो कि है 30% वो पहले 500 वर्ड में इस्तेमाल कर लो, रेस्ट 10 कीवर्ड जो है रेस्ट ऑफ द कंटेंट में इस्तेमाल कर लो। ये सेकंड चीज सीखी। तो फर्स्ट था डेंसिटी, सेकंड था प्लेसमेंट, थर्ड था प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी में आपको LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ना कि आपको सेम कीवर्ड को ही दोहराते रहना है पूरे कंटेंट के अंदर। तो ये थी कहानी आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की। खास ध्यान रखना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो ब्लूप्रिंट दिया था उसके अंदर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में ये सारी चीजें मेंशन थी। बाकी एक कंटेंट का लेंथ बहुत मैटर करता है आज की डेट में, कि आपका कंटेंट कितना कॉम्पिटिटिव है बाकी दूसरे कंटेंट से। अब दुनिया में 12GB रैम के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने कंटेंट लिखा होगा ना, तो अब ये गूगल डिसाइड कैसे करेगा कि किसके कंटेंट में ज्यादा नॉलेज ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है उसके यूजर के लिए, क्योंकि गूगल का ही यूजर है ना, यूजर मेरा थोड़ी ना है, मेरे पास तो सेकेंडरी है, गूगल में पहले जा रहा है, गूगल मुझे भेज रहा है, तो गूगल का यूजर हुआ। तो गूगल अपने यूजर को ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या चेक करेगा कि कंटेंट का लेंथ किसके पास ज्यादा है। ऑफ कोर्स जिसके पास कंटेंट का लेंथ ज्यादा है उसके पास नॉलेज बाय डिफॉल्ट ज्यादा होने के चांसेस है। तो इसलिए जो वर्ड काउंट है कम से कम 2000 वर्ड तो रखना ही रखना अपने कंटेंट के अंदर अगर आपको उसको सच में ऑप्टिमाइज करना है। तो ये थी कहानी पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की। आई होप गाइस यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम चलेंगे सीधा एडिशनल कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एडिशनल पॉइंट्स आपको देख रहे हैं कितने सारे हैं, और इसमें से 4 एरर दिखा रहा है कि 4 चीज हमने ऑप्टिमाइज नहीं की, कर लो, क्योंकि उसको भी गूगल के बॉट्स चेक करते हैं और उस अकॉर्डिंग ही आपको रैंकिंग देते हैं। एग्जांपल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 में से ये 5 जो है ये ऑप्टिमाइज्ड है ग्रीन वाले, लेकिन 4 जो है ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। तो अब पहले हम देखते हैं कि जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है, और फिर हम जो रेड वाले हैं उनको ऑप्टिमाइज कैसे करना है वो देख लेते हैं। जैसे फोकस कीवर्ड फाउंड इन द सब हेडिंग्स, इसका मतलब ये है कि सब हेडिंग्स जो ये हमारे पास हैं, ये ऑरेंज कलर के जितने भी बोल्ड कलर के आपको कंटेंट दिख रहे हैं ये सब हेडिंग्स होता है। सब हेडिंग के नीचे एक छोटा सा ये होता है, ये कंटेंट होता है, ये पैराग्राफ्स होते हैं। तो ये सब हेडिंग्स आपको अपने सब हेडिंग्स में से किसी एक या दो में अपना फोकस कीवर्ड देना होता है। तो हमने भी दिया है, तभी ये यहां पर ग्रीन टिक हुआ है। कैन यू सी दैट, अब ये ग्रीन टिक जो हुआ है ना, इसका रीजन कि कहीं ना कहीं हमने अपना फोकस कीवर्ड जरूर दिया होगा लाइक दिस। ये देखो एक सब हेडिंग है, ये बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये सब हेडिंग में हमने फोकस कीवर्ड को दे दिया है। यहां से इसको ग्रीन मान लिया गया है, इसको ऑप्टिमाइज मान लिया गया है। आई होप गाइस ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको अपने सब हेडिंग्स चाहे जितने मर्जी हो नो मैटर, आपको मिनिमम एक या दो में अपने मेन फोकस कीवर्ड को रखना है। और ये भी बिल्कुल मत करना कि आपने हर सब हेडिंग में अपना जो फोकस कीवर्ड है वो दे दिया है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये H1 है मेरा हेडिंग 1 और ये हेडिंग 2, लेकिन हमने हेडिंग 3 में जाके हमने अपना जो फोकस कीवर्ड है वो दिया है। बहुत लोग क्या करते हैं डेस्परेट में अपने मेन हेडिंग पे ही अपना जो कीवर्ड है वो दे देते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपका कंटेंट जो है वो ओवर ऑप्टिमाइज्ड माना जाता है। मैंने आपको बार बार
समझाया, देखो ऑप्टिमाइजेशन इज गुड, लेकिन आप डेस्परेट होकर ओवर ऑप्टिमाइज कर दोगे, आप अपने कीवर्ड को हर उस जगह पे लगा दोगे जहां पर आपको लगता है कि लगा दो यार रैंक मिल जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना, ये बहुत बड़ी एक आपके लिए ही आपके अगेंस्ट जा सकती है, मतलब इट कैन बी डेंजरस टू यू। सो अब जैसे ये फोकस कीवर्ड जो है हमारा ग्रीन हो गया है, तो आप किसी एक में दे दो, दो में दे दो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मत देना। अब बात करते हैं URL, ये कह रहा है आपका URL जो है ना ये 62 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, व्हिच इज डेफिनेटली गुड। URL किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, अब ये तो चलो एडमिन का URL है, लेकिन अगर मैं यही आपको ले चलता हूं हमारे मेन पोस्ट के URL पे, तो ये रहा पोस्ट का URL। तो ये 62 कैरेक्टर्स लॉन्ग है, यही चीज यहां पर बताई जा रही है, और 62 कैरेक्टर को ये अच्छा खासा एक लेंथ मान रहा है, व्हिच इज यू कैन सी दैट। आप अगर यहां पर देखोगे 62 कैरेक्टर, अगर इसे छोटा करते तो भी शायद आपको रेड दिखाता, और अगर इसे ज्यादा कर देते बहुत ज्यादा बड़ा तो भी शायद आपको ये रेड दिखाता। तो इट इज गुड कि आपका कैरेक्टर लेंथ जो आपकी URL का है वो ठीक है। ग्रेट, यू आर यूजिंग लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मतलब आप अपने इस कंटेंट में से एक आउटबाउंड लिंक भी दे रहे हो। आउटबाउंड लिंक होता है कि आपकी वेबसाइट के अलावा आप किसी और वेबसाइट को भी यहां से लिंक बैक दे रहे हो। ऑफ कोर्स मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का ये वेबसाइट है, तो आउटबाउंड लिंक तो जाना ही है, जैसे कि मेरा ये Amazon का लिंक है, ये एक आउटबाउंड लिंक है, यू कैन सी दैट ये Amazon को जा रहा है, बस यहीं से मुझे आउटबाउंड लिंक का बेनिफिट मिल गया कि मेरे साइट में से बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड लिंक जाना ही जाना है, तो जिस वजह से ये एक ग्रीन पॉइंट है, और यहां से मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया अपनी वेबसाइट को कि हां आप गुड टू गो हो, मतलब मेरी वेबसाइट जो है ये गुड टू गो है। नेक्स्ट, यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट व्हिच इज ग्रेट, मतलब इंटरनल लिंकिंग, कि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने दूसरे पेजेस को भी बैक लिंक दिया है, जैसे कि ये रहा, ये मेरा ही साइट का दूसरा लिंक है। नीचे अगर आप URL को देखोगे तो आपको दिख रहा है कि लाउड रिव्यू ही दिख रहा है यहां पर भी, और ये भी मेरा इंटरनल लिंकिंग है, ये मेरे होम पेज को जा रहा है। अब यहां पर फायदा क्या हुआ कि इंटरनल लिंकिंग से आपका जो गूगल बॉट है वो आपके पेज में आता है, इस वाले पेज में, तो उसको दूसरे पेज में जाने का भी लिंक मिल जाता है, जिससे आपके दूसरे पेजेस भी इंडेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हर पेज एक दूसरे के साथ अगर कनेक्टेड होगा तो उससे बेटर इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती। कोई भी पेज आपकी साइट के अंदर विदाउट इंटरनल लिंकिंग कनेक्शन के नहीं रहना चाहिए, एक भी पेज आपका जो है वो ऑर्फिन यानी अनाथ नहीं रहना चाहिए, उसको आपकी साइट से कहीं ना कहीं से लिंक मिल रहा हो। हर पेज को एक दूसरे से कनेक्ट करना इज वन ऑफ द अमेजिंग स्ट्रेटजी इन SEO, बस ये ध्यान रखना है आपको। और फाइनली एक लास्ट ग्रीन पॉइंट जो है, यू हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, मतलब ये जो फोकस कीवर्ड आपने यहां पर लिया है व्हिच इज बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, ये आपने आज से पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया इस वेबसाइट के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आपकी साइट एक ही कीवर्ड पे दो पेज बना रही है तो इसका मतलब आप दो अलग पेज बनाने की गलती कर रहे हो। आपको एक कंटेंट एक कीवर्ड पे बनाना चाहिए, मतलब कि अगर आपके पास दो कंटेंट सेम कीवर्ड पे है तो आप दो पेज बना के रहो, आप एक ही पेज में बना के उसको एक ही में रैंक कराओ ना, क्योंकि गूगल एक कीवर्ड पे एक ही साइट के दो पेज क्यों रैंक कराएगा, अलग अलग रैंक नहीं कराएगा, तो आप अपने आप को ही कॉम्पीट करोगे। आपका पहला कॉन्टेंट अगर रैंक कर गया तो दूसरा कॉन्टेंट रैंक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने खुद को ही खुद से कॉम्पीट कर दिया। तो अगर आपके पास दो कॉन्टेंट थे सेम कीवर्ड पे, आप एक ही पेज पे उसको लिख दो बजाय कि आप दो अलग अलग कॉन्टेंट बना रहे हो। तो इसलिए ये कह रहा है कि अच्छा हुआ कि आपने इससे पहले ये वाला कीवर्ड कभी यूज ही नहीं किया, आपने पहली बार यूज किया, विच इज वेरी गुड। तो ये थे वो हमारे मेन ग्रीन पॉइंट जो कि आपको भी ऑप्टिमाइज करने हैं। मैंने रीजन बता दिया कि ऑप्टिमाइज कैसे हैं। अब बात करते हैं रेड पॉइंट्स पे। रेड पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है कि आपके इस पेज के अंदर जो इमेज है उन इमेजेस में से एक भी इमेज में फोकस कीवर्ड जो है वो एज एन ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है। अब ये फोकस कीवर्ड ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? देखो अगेन अगर मैं आपको समझाऊं, मैंने आपको बताया था कि ये जो पेज है ये पेज यूजर के लिए है। किसके लिए है? यूजर के लिए। अब इस पेज में अगर आप ये देख रहे हो ये एक इमेज है, ये इमेज जो है यूजर को तो दिख गया कि एक इमेज है, लेकिन व्हाट इफ गूगल के बॉट्स आएंगे, उसको तो नहीं दिखेगा ये इमेज, क्योंकि गूगल के बॉट्स आपके इस पेज में आएंगे नहीं, गूगल के बॉट्स तो इस पेज में आएंगे। अब इस पेज में कहां है वो इमेज बताओ, कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यानी इस पेज में अगर आपको इमेज को लाना है तो आपको इस इमेज का एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, दैट इज द नंबर वन केस। नंबर सेकंड केस क्या होता है कि आपका कंटेंट एक फिजिकली चैलेंज इंसान भी पढ़ सकता है जो कि शायद देख नहीं सकता, उसको रीड करना होता है। कैसे? उसके पास उसके फोन में या उसके लैपटॉप सिस्टम में जहां पर भी रीडर्स होते हैं जो कि लाउडली इसको रीड करके सुनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये सारे टेक्स्ट तो उसका रीडर सुना देगा, लेकिन ये कैसे सुनाएगा कि यहां पर क्या है? अब उस इंसान को जो कि खुद नहीं पढ़ सकता देख सकता, उसको इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, तो उस केस में भी एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। तो गूगल के अकॉर्डिंग आपके हर इमेज का एक ऑल्ट टेक्स्ट होना इज अ गुड प्रैक्टिस, अदरवाइज ये उन लोगों को रिकमेंड नहीं करेगा आपका कंटेंट जो कि फिजिकली चैलेंज है, मतलब खासकर जो ब्लाइंड्स हैं। तो इसलिए हमें हर कंटेंट का ऑल्ट टेक्स्ट देना पड़ेगा, और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो वो ऑल्ट टेक्स्ट है उसमें से एटलीस्ट एक इमेज पे हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए, एंड दैट कुड बी योर फीचर्ड इमेज, आपके फीचर
फीचर्ड इमेज में आपका ऑल टेक्स्ट हो तो ज्यादा बेटर है। अभी फीचर्ड इमेज कहां मिलेगा? सो मैं एलिमेंटोर में हूं और एलिमेंटोर में फीचर्ड इमेज थोड़ा सा अलग जगह पे मिलता है, जो कि नॉर्मल गटनबर्ग एडिशन में वर्डप्रेस के नहीं मिलता है। तो अगर आपको एलिमेंटोर में फीचर्ड इमेज लगाना है तो आपको इस सेटिंग्स में आना पड़ेगा और ये रहा फीचर्ड इमेज। और अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देखोगे कि यहां पर एक ऑल्ट टेक्स्ट है और यहां पर ऑल्ट टेक्स्ट की जगह मैंने अपना मेन कीवर्ड जो है उसे पेस्ट कर दिया है। और मेरा मेन कीवर्ड क्या था आप सबको भली बात ही पता है, विच इज बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। और जैसे मैंने इसको अपडेट किया और इंसर्ट मीडिया पे क्लिक किया, नाउ मेरे अकॉर्डिंग फीचर्ड इमेज में मेरा फोकस कीवर्ड का ऑल टेक्स्ट जो है मैंने दे दिया है। अब जल्दी से एसईओ में चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये ग्रीन हुआ। एंड वेट, यस गाइस, ये ग्रीन हो गया है। एज यू कैन सी दैट कि इसने फोकस कीवर्ड को ऑल्ट टेक्स्ट में देख लिया है और ये इस तरीके से ग्रीन हो गया है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज ऑल्ट टेक्स्ट। आपको क्या करना है, आपको अपने साइट के या अपने वेब पेज के जिस पेज पे काम कर रहे हो उस पे एक भी इमेज को विदाउट ऑल्ट टेक्स्ट नहीं रखना है। अब यहां पर जो ऑल्ट टेक्स्ट है गाइस, मुझे वही देना है जो कि एक्चुअल इमेज है। यहां पर मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता, यहां पर मैं कोई भी डिसेप्टिव कुछ भी कंटेंट नहीं लिख सकता। जस्ट बिकॉज कि मुझे कीवर्ड को रैंक कराना है तो मैं कुछ भी लिख दूं, अपने कीवर्ड से रिलेटेड LSI लिख दूं, अपने कीवर्ड से रिलेटेड उसके प्रॉक्सीज बना दूं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जो इमेज है एज इट इज आपको वही देना है। व्हाई? बिकॉज यहां पर आपके कंटेंट को जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं वो पढ़ने वाले हैं और उनको अगर आप कुछ भी गलत चीज समझा रहे हो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो पढ़ के बता देगा जो यहां पर लिखा होगा। अब यहां पर 1+10RG लिखा है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ये 1+10R 5G फोन है। तो ये उनके लिए एक इंफॉर्मेशन हुआ जो कि गलत हो सकता है। अगर हम जैसे में से कुछ लोग क्या करते हैं, कीवर्ड पे कीवर्ड, कीवर्ड के प्रॉक्सीज, कीवर्ड के LSI यूज करते हैं ऑल्ट टेक्स्ट में, बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मेन रूल की बात करूं एज एन SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि आपको कोई भी इमेज को विदाउट ऑल्ट टेक्स्ट नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने एक को भी यहां पर विदाउट ऑल्ट टेक्स्ट नहीं छोड़ा है, इंक्लूडिंग माय फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज में तो मैंने मेन टेक्स्ट ही लिख दिया जो कि मेरा मेन फोकस कीवर्ड है, बाकी सब में मैंने बिल्कुल एज इट इज अपने फोन का जो नाम है वो लिख दिया है। नाउ आई होप आपको फोकस कीवर्ड इन ऑल्ट टेक्स्ट की कहानी जो है ये समझ आ गई है। गाइस अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। कीवर्ड डेंसिटी में यहां पर साफ दिखा रहा है कि 0.07 है, व्हिच इज लो, कि ये उतना भी नहीं है जितना कि आपके कंटेंट में मिनिमम होना चाहिए इस कीवर्ड की प्रोमिनेंस को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि पूरे कंटेंट के अंदर खाली 2 बार रिपीट हुआ है, कौन सा वाला कीवर्ड? एज इट इज, ये वाला कीवर्ड। अब मान लेते हैं इस वाले कीवर्ड को अगर मुझे ढूंढना है इस कंटेंट के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। तो गाइस यहां पर एक बार आया, यहां पर एज यू कैन सी दैट, दूसरा ये यहां पर कहीं आया होगा, ये रहा बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम, और तीसरा ये बिल्कुल नीचे आया है जो कि टैग है, मतलब मेन कंटेंट के अंदर तो खाली 2 बार आया है, एक यहां पर और एक यहां पर, बस 2 जगह है। एग्जैक्टली ये भी यही कह रहा है कि खाली आपका जो मेन कीवर्ड है ये 2 बार दिख रहा है जो कि कम है, 0.07। तो ये कह रहा है इसको बढ़ाया जाए, इसको कितना बढ़ाया जाए। सो हर किसी का अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, तो एज पर रैंक मैथ इसको कितना होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो रैंक मैथ खुद भी यही कह रहा है, व्हाइल देयर इज नो परफेक्ट कीवर्ड डेंसिटी, अ कीवर्ड डेंसिटी ऑफ 1 to 1.5% इज सफिशिएंट इन मोस्ट केसेस। मतलब आपका 1% से 1.5% होना चाहिए, जो कि तकरीबन मैंने भी आपसे वही किया था कि 0.5 से लेके आप 1% तक यूज कर सकते हो। मैं 1.5% तक भी नहीं जाना चाहूंगा फॉर मेन फोकस कीवर्ड, मतलब एज इट इज कीवर्ड। अब यहां पर टोटल कितना वर्ड है सबसे पहले ये पता लगाते हैं। तो गाइस यहां पर टोटल वर्ड है हमारे 2948 यानी 2948। तो जल्दी से कैलकुलेशन को कर लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए मैं यहां पर ओपन करना चाहूंगा अपना कैलकुलेटर और कैलकुलेटर में मैं लिखूंगा 2948 मल्टीप्लाई बाय 1%, तो ये आ गया 29.48। मैं राउंड फिगर में इसको 29 लेता हूं। सो जहां पर मात्र 2 times रिपीट हुआ है वहां पर 29 times होना चाहिए, बट ये बहुत रिस्की हो जाएगा कि 29 times लेना। आप अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, सो गाइस 29 times विल बी टू हाई, तो मैं कहूंगा 2948 मल्टीप्लाई बाय आप इसको 0.5% कर दो एंड दैट कुड बी 15 एनफ है। आप 15 बार इसको रिपीट कर दो, आप देखना कि आपका बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम इस कीवर्ड का प्रोमिनियंस इस पेज में आ जाएगा, दैट इज दिस वन। आई एम क्लियर? अब इसको करना कैसे है, देखो अभी तो जस्ट बिकॉज मतलब मैं सेव नहीं करूंगा बट मैं दिखा देता हूं करके। अब जैसे इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैं इसको जगह जगह खाली पेस्ट कर रहा हूं आपके सामने जस्ट फॉर द पर्पस कि मैं आपको दिखा पाऊं कि ये चीज कैसे काम करती है। लेट्स डू वन थिंग गाइस, इसको यहां से कर लिया कॉपी, ये मेरा मेन कीवर्ड है ना, तो कॉपी हो गया। अब मैं इसको जगह जगह ऐड कर देता हूं आपके लिए एंड आपको ये फिर दिख जाएगा ग्रीन होता हुआ। तो 2 बार ऐड कर दिया, 15 times करने हैं और 15 times में मैंने ऑलरेडी 2 बार कर रखा है और 2 आपके सामने कर दिया है और मैं इसको जगह जगह पेस्ट कर रहा हूं। 5 5 हो गया टोटल,
6, 7, 8 ये मैं रैंडम कर रहा हूं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कंटेंट के अंदर कहां का कीवर्ड आना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14 and for example 15 कर दिए। सो गाइस नाउ अब मैं एसईओ में चलूंगा एंड विल सी कि तीन में से एक एरर हट गया। कौन सा एरर हट गया गाइस? नाउ कीवर्ड डेंसिटी इज 0.50 द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 15 टाइम्स क्योंकि मैंने आपके आंखों के सामने इसको 15 टाइम कर दिया है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको अपना जो फोकस कीवर्ड है उसको एटलीस्ट 0.5% जो है वो रिपीट करना चाहिए एज पर दिस पर्टिकुलर नॉलेज। आई होप गाइस आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। हालांकि आपने इसको पहले भी कवर किया था लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिल गया है। अब जल्दी से चलते हैं। वी हैव फाउंड 8 आउटबाउंड लिंक्स इन योर कंटेंट एंड ऑल ऑफ देम आर नो फॉलो। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि यहां पर अगर आप कोई भी आउटबाउंड लिंक दे रहे हो, आउटबाउंड लिंक कौन सा लिंक होता है जो कि आपकी साइट से बाहर जा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली एक एफिलिएट मार्केटर हूं तो मेरा ये एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक है और ये एफिलिएट मार्केटिंग का जो लिंक है इसको Amazon के लिए मैंने यूज किया है। तो Amazon एक आउटसाइड वेबसाइट है ना, वो लाउड रिव्यू तो है नहीं, तो ये आउटबाउंड लिंक माना जाएगा। बट अगर मैं SEO ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इनका कहना ये है कि आपका आउटबाउंड लिंक नो फॉलो दिखा रहा है, जो कि नो फॉलो नहीं होना चाहिए, डू फॉलो होना चाहिए। इस दुनिया के जो मैक्सिमम लिंक है वो डू फॉलो कैटेगरी में आना चाहिए, तभी गूगल जो है उसको फॉलो करता है। अदरवाइज क्या होगा, इस लिंक को गूगल बिल्कुल भी चेक नहीं करेगा या चेक करेगा तो बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देगा कि ये लिंक आपने अपनी साइट में एज अ रिकमेंडेशन रखा है। तो यानी आप खुद ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर लिंक को, तो गूगल क्यों ट्रस्ट करेगा? तो इसीलिए गूगल इसको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देगा और नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाएगा। नो फॉलो का ये मतलब होता है, बस यही कहना चाह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि इसको डू फॉलो कर दो। अब इसको डू फॉलो करने के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है, क्योंकि मैंने साइट वाइड एसईओ में नो फॉलो कर रखा है तो इसीलिए यहां पर आपको इसको डू फॉलो करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल लिंक को अगर डू फॉलो नो फॉलो करना है तो आप यहां पर जाके इसको सेटिंग्स में जाके आप एड नो फॉलो कर सकते हो, यू कैन सी दैट। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट नो फॉलो होगा, लेकिन अगर आपको अपने खुद से नो फॉलो करना है तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो नो फॉलो हो जाएगा। बट मैं चाहूंगा कि आप इसे नो फॉलो नहीं रखो, आप डू फॉलो रखो। हाँ, अपने से बड़ी वेबसाइट को खाली आपको डू फॉलो रखना है, बट अगर आपसे छोटी वेबसाइट है जिसका रेपुटेशन उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए रिस्क हो जाएगा उसको डू फॉलो करना, तो आप उसको नो फॉलो कर सकते हो अंटिल एंड अनलेस आप अपनी छोटी वेबसाइट को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो। तो ये रही कहानी इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो कि मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, एज यू कैन सी दैट। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। तो एडिशनल पॉइंट के हमने मैक्सिमम पॉइंट्स को जो है वो कवर कर लिया है। अब देखो गाइस ये फिर से रेड हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसको शायद ऑल टेक्स्ट दोबारा गायब हो गया इसका। तो जस्ट बिकॉज कि ये एलिमेंटोर का कोई अभी बग चल रहा है जिसके अंदर फीचर इमेज पहले यहां पर था, फीचर इमेज मुझे नहीं दिख रहा है यहां पर, तो इसीलिए वो वाला पॉइंट जो है वहां से हट गया कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो किसी भी ऑल टेक्स्ट में नहीं है। तो ये चीज वही बताई जा रही है। बाकी ये क्यों ऐसा हुआ, यहां से फ्यूचर इमेज कहां चला गया, आई नीड टू चेक दैट। अब हमें बढ़ना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि हमें यहां से फटाफट से करना है ऑप्टिमाइज, व्हिच इज टाइटल रीडेबिलिटी। अब टाइटल रीडेबिलिटी में सारे के सारे ग्रीन इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि सारे के सारे जो है हमने पूरी तरीके से अचीव कर लिए हैं ऑलरेडी। कैसे? सबसे पहले फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल। यस, हमने फोकस कीवर्ड को अपने टाइटल के बिगिनिंग में यूज किया। बिगिनिंग कौन सा होता है गाइस? ये वाला पॉइंट होता है। बेस्ट मोबाइल विद 12GB रैम। देखो यहां से स्टार्ट हुआ है और स्टार्टिंग में हमने इसको यूज कर लिया, तो इसका मतलब ये एक ग्रीन पॉइंट है कि आपको हमेशा अपने फोकस कीवर्ड को अपने टाइटल के बिल्कुल इनिशियल लेवल पे ही यूज करना चाहिए। अगर आप पीछे यूज करते तो उसका मतलब कि आपने उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया एज पर रैंक मैप। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। योर टाइटल हैज अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट, कि मेरे टाइटल में एक नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटीमेंट है जो कि अट्रैक्ट करता है, जो कि हुक क्रिएट करता है आपके टाइटल का। अब यहां पर पॉजिटिव क्या है? बेस्ट। मैंने बेस्ट वर्ड को यूज किया ना, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है ऑडियंस के मन में बोलो या ऑडियंस के इमोशन में, तभी ये चीज जो है इसको पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ माना जा रहा है। अदरवाइज आप यहां पर कुछ भी नेगेटिव भी लिखते तो वो भी एक सेंटीमेंट काउंट होता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में किसी एक को यूज कर सकते हो जस्ट टू क्रिएट अ हुक इन योर टाइटल। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारे टाइटल में एक पावर वर्ड है जो कि कह रहा है कि अगर पावर वर्ड होता है तो ऑडियंस को ना एक कॉन्फिडेंस मिलता है इस पर्टिकुलर टाइटल को क्लिक करने का, उससे सीटीआर ज्यादा बढ़ जाता है। अब पावर वर्ड होते हैं बहुत सारे हैं जो कि इस दुनिया में आप यूज कर सकते हो, जैसे इस केस में बेस्ट को ही इसने पावर वर्ड भी ले लिया है और पॉजिटिव सेंटीमेंट भी ले लिया है। बेस्ट मतलब एक पावरफुल वर्ड है, तो इसको दोनों तरफ से देखा जा रहा है कि पहले हमने जो किया दैट इज कि एक पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट को भी क्रिएट करता है और ये एक पावरफुल वर्ड भी है, तो दोनों इसी में काउंट हो गए हैं। नाउ फाइनल पॉइंट इसी में है, यू आर यूजिंग नंबर इन योर एसईओ टाइटल, जो कि नंबर अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं ऑडियंस को एक अलग सा लुक देने में काम
कामयाब हो जाता है। जैसे कि पूरा टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट के साथ नंबर अलग से ही चमकता है। तो इसने ये कहा है कि दिस इज रियली गुड कि आपके टाइटल में नंबर है ये अलग से चमकेगा और शायद आपका जो CTR है इससे बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हमारे जो टाइटल की रीडेबिलिटी है ये पूरी तरीके से ऑल गुड कंसिडर हो जाती है। नाउ फाइनली आते हैं कॉन्टेंट रीडेबिलिटी पे और ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का जो कि रैंक मैथ के अकॉर्डिंग है। और इसके अलावा बाकी जो और भी चीजें होंगी वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, डोंट वरी। सो जो पहली चीज है कॉन्टेंट रीडेबिलिटी के अंदर वो है टेबल ऑफ कॉन्टेंट। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट क्या चीज है? टेबल ऑफ कॉन्टेंट होता है जब आपके कॉन्टेंट में काफी लेंदी आइटम्स होते हैं, मतलब ये कॉन्टेंट जो है काफी लंबा है। फॉर एग्जाम्पल 2,000, 3,000, 4,000 वर्ड, जैसे कि यहाँ पर 3,000 वर्ड का ये कॉन्टेंट है तो ये काफी लंबा हो गया। आज की डेट में क्या होता है कि जहां की दुनिया बहुत फास्ट हो गई है और लोग जो है काफी जल्दी जल्दी मतलब कॉन्टेंट से निकल जाते हैं या तो फिर उनको एग्जैक्टली वो कॉन्टेंट नहीं मिलता जो कि वो चाहते हैं, तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट उनको यही हेल्प करता है कि वो डायरेक्टली ना अपने उस वाले पार्ट में पहुंच जाए जिस पार्ट के अंदर उनको वो कॉन्टेंट मिलने वाला है, दैट इज नॉन एज टेबल ऑफ कॉन्टेंट। तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट मैंने दिया है और यहाँ पर इसलिए ये ग्रीन टिक हो गया है। अब टेबल ऑफ कॉन्टेंट देने के दो तरीके हैं, एक तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट आपके इसमें दिखना चाहिए जो कि वेरी गुड है, अदरवाइज आपके एटलीस्ट कोडिंग में दिखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कॉन्टेंट मैंने हटा दिया लेकिन फिर भी ये ग्रीन दिखा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बग, अगेन आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, बट अभी हटा है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकता था कि टेबल ऑफ कॉन्टेंट कैसे लगता है, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं है। तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट जो है वो एक्चुअली रैंक मैथ का एलिमेंटोर में नहीं चलता है, वो गटनबर्ग एडिशन में चलता है। तो इसलिए आपको टेबल ऑफ कॉन्टेंट देना जरूरी है, ये आप ध्यान रखना, इससे आपको रैंकिंग में भी फायदा होगा और आपके यूजर का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा ताकि उसको अपना वो वाला पार्ट जल्दी से मिल जाए जिस पार्ट को वो पढ़ के निकल जाना चाहता है, आपके पूरे कॉन्टेंट को वो टाइम वेस्ट की तरह नहीं देखना चाहता, ये बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज की, योर कॉन्टेंट यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स बहुत ज्यादा जरूरी है आपके कॉन्टेंट के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। मतलब आपका जो कॉन्टेंट है उस कॉन्टेंट में बहुत, अगर मान लेते हैं लंबा कॉन्टेंट है 3,000 वर्ड का ये कॉन्टेंट है, अब 3,000 वर्ड मतलब यहां से स्टार्ट होता और जहां खत्म होता मैं अगर वहीं सांस लेके उसको बंद करता तो आपको पता है कैसा लगता कि आपने कोई रामायण गीता भागवत कुरान लिख दी जो कि लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि श्रद्धा के लिए पढ़ना पड़ता है। बट अगर आपका कॉन्टेंट वो पढ़ने में आए जिसके अंदर एक सांस में उसको पढ़ना पड़ेगा, ना कोई बीच में पैराग्राफ ना कोई फुल स्टॉप ना कुछ, तो पता है क्या होगा, आपका कॉन्टेंट एक बोरिंग कॉन्टेंट काउंट होगा। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपने कॉन्टेंट को डिवाइड करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पैराग्राफ का क्या मतलब होता है, मैं कंसिडर करता हूँ कि आपका एक पैराग्राफ जो है ना वो हार्डली 50 से 60 वर्ड का होना चाहिए, इससे बड़ा आप एक पैराग्राफ नहीं दोगे। एंड दैट इज द रीजन कि आपका जो कंटेंट है वो दिखने में भी अच्छा लगेगा बिकॉज स्ट्रक्चर लगेगा और छोटे छोटे पैराग्राफ्स को पढ़ना बहुत इजी भी होता है रादर देन कि एक हेफ्टी से एक पूरे कंटेंट को पढ़ना। तो इसीलिए आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स को यहां पर देना चाहिए, आपका कंटेंट जितना मर्जी बढ़ाओ अगर छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड पैराग्राफ्स में वो डिवाइडेड होंगे तो दैट विल बी सीम्स वेरी गुड फॉर द यूजर्स एंड यही चीज गूगल मानता है, बस यही करना है। बाकी आपके कंटेंट के अंदर इमेज वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कंसिडर किया जाता है, ये एक बोरिंग कंटेंट हो सकता है। जैसे ऑफ कोर्स मेरे इस पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर मैंने इमेजेस दिए हैं जो कि फोन्स के हैं, तो इसीलिए ये कंसिडर कर रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि आपके कंटेंट के अंदर इमेजेस भी हैं। और इस तरीके से गाइस आपका पूरा कंटेंट होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइज्ड। कैन यू सी दैट, ये सारा ऑन पेज ऑप्टिमाइज आपका कंटेंट माना गया है व्हिच इज रियली रियली गुड अगर आप इसको ग्रीन कर लेते हो तो। जैसे अभी 83 out of 100 ये ग्रीन बन गया है, ये ग्रीन ऑरेंज और रेड होता है, रेड मतलब कि आपका बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है, ऑरेंज मतलब थोड़ा सा और करोगे तो अच्छा है, ग्रीन मतलब इतना आपका हो गया ऑप्टिमाइज अब आप रैंक करने के लिए एलिजिबल हो, तो इसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो गाइस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन रैंक मैथ का जबरदस्त है, आई वुड से आई रिकमेंड इट क्योंकि मैंने जब से यूज करना इसको स्टार्ट किया है आई फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर प्लगइन। इस प्लगइन का अगर आपको इस्तेमाल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे नीचे दिए गए लिंक को आप क्लिक करके अपना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अगर आपको रैंक मैथ प्लगइन चाहिए, बिकॉज वी आर द एजेंसी होल्डर ऑफ दिस रैंक मैथ प्लगइन, तो आपको हम हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छे प्राइस में इसको ग्रैब करने के लिए। इनफैक्ट उसके साथ हमारी जो एक सर्विस एड ऑन होगी कि हम आपका साइट वाइड जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी आपकी वेबसाइट का कंटेंट होगा, उसका एक साइट वाइड SEO का सेटिंग रैंक मैथ का वो हम ही आपको करके दे देंगे। तो ये हमारी तरफ से एक एड ऑन चीज है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ये है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का सबसे बेस्ट पार्ट कि अगर मैं अब आपको इस पर्टिकुलर कंटेंट का फायदा दिखाऊं, मैंने इस कंटेंट के लिए कोई भी बैकलिंक नहीं बनाया, इस कंटेंट के लिए जो कि आपके सामने दिख रहा है इसका कोई बैकलिंक नहीं है, फिर भी ये गूगल पे रैंक कर रहा है और गूगल से ट्रैफिक ला रहा है, एज यू कैन सी दैट व्हाई, बिकॉज़ इसका ऑन पेज इतना स्ट्रांग है, जस्ट लुक एट इट। और ऑन पेज स्ट्रांग करने के लिए मुझे किसने हेल्प किया, मुझे रैंक मैथ के इस कोर ने हेल्प किया, जहां से मुझे पता लगता गया कि मैं कितना ऑप्टिमाइज कर पाया और कितना नहीं कर पाया। आप चाहो तो इसको 100 कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मैं 100 नहीं करता हूं, जैसे ये ग्रीन हो जाता है मैं छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि गूगल का ओवर ऑप्टिमाइजेशन का भी एक छोटा सा पेनल्टी होता है जिसमें अगर वो ये देख लेता है कि आपका हर चीज कैसे ठीक हो सकता है तो उस केस में आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है।
मैंने ये नोटिस किया है, इसलिए मैं इसको ओवर ऑप्टिमाइज्ड नहीं करता हूं। बाकी पेज स्पीड वगैरह आप देख रहे हो सारे जबरदस्त जबरदस्त है, ग्रीन है, कैन यू सी दैट, और इंडेक्स भी एकदम पास हो गया है और आप यहां पर सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइज हमारा जो एसईओ है ऑन पेज का कंप्लीट तरीके से कवर हो गया है और इसी से ही आपका रैंकिंग जो है वो ट्रिगर करता है। आई होप गाइस सो फार सो गुड। कुछ भी और रह गया होगा अगर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में जो कवर करना होता है तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियोस तो बनाता ही रहूंगा इसी चैनल पे। तो आप सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ ताकि आपको कभी भी मेरे कोई भी कंटेंट को मिस करने का कोई भी मौका ना मिले। बस तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ व्हिच इज नोन एज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कैसे विदाउट हमारे इस पेज पे काम करें हम इस पेज के लिए काम करते हैं रैंकिंग के लिए बेसिकली। उसमें मेजरली हम जो फोकस करते हैं दैट इज अथॉरिटी बिल्डिंग, कि इस पेज की अथॉरिटी जो है वो बाकी पेजेस से ज्यादा हो मार्केट में जो अवेलेबल है, मार्केट मींस गूगल में जो अवेलेबल है, और अगर मैं उनसे ज्यादा अथॉरिटीज की बना पाया, ऑन पेज ऑलरेडी मैंने ठीक कर दिया है, तो गाइस आपको कोई नहीं रोक सकता गूगल पे रैंक करने के लिए, और यही पूरा सार होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तब तक के लिए आप वीडियो को करो पॉज और छोटा सा अगर आपने अभी तक ब्रेक नहीं लिया एक ब्रेक लो, पानी वानी पियो और वापस आओ और फिर हम इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं।